गुड मॉर्निंग गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टाइम्स कोचिंग द फ्यूचर टाइम्स। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे सेशन में। सो, कैसे हैं भाई सब लोग, एक बार जल्दी से बताएं सब लोग कैसे हैं, फिर शुरुआत करते हैं आज के हमारे सेशन की। गुड मॉर्निंग राहुल, उपेंद्र, ओके दीपेंद्र सुना था, धर्मेंद्र सुना था, पुपेंद्र, ओके नाइस नेम। अर्जुन सक्सेना, वेरी गुड मॉर्निंग। गोयंका सोनी, वेरी गुड मॉर्निंग। महेश्वरी एंड सूरज कुमार, सुनील कुमार, पिंकी पांडे, दीपक, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो चलिए गाइज, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज के इस सेशन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहेंगे। हाँ जी, एक बार से थम्स अप कर दीजिए गाइज कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, फिर शुरुआत करते हैं आज के हमारे सेशन की। अच्छे हैं सब लोग, मस्त बिंदास हैं, लाइफ झिंगा लाला चल रही है कि नहीं? हाँ चले। अच्छा, गुड मॉर्निंग टू ऑल गाइज, एक सेकेंड। गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो गाइज, आज का सेशन स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये जो पर्टिकुलर सेशन है वो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगा। चाहे आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वाला सेशन आप अटेंड कर सकते हो। यहाँ पर आपको स्टैटिक फैक्ट्स, एनालिसिस, मैप्स, क्विजेस के फॉर्म में क्वेश्चंस मिलेंगे। शुरुआत करते हैं गाइज। सबसे पहले तो ये सुनो कि आज 9:30 बजे हरियाणा से रिलेटेड जितने भी स्टैटिक क्वेश्चंस बनते हैं वो इस पर्टिकुलर सेशन में हम कवर करेंगे। हरियाणा से रिलेटेड जितने भी स्टैटिक क्वेश्चंस बनेंगे आपके जिस भी एग्जाम की बात हो, चाहे वो स्टेट एग्जाम है, चाहे वो सेंटर का एग्जाम है, हर एग्जाम से क्वेश्चन बनेंगे। तो 9:30 बजे आज ही के टाइम पे होगी ये क्लास, ध्यान रखिएगा। आज की क्लास का PDF चाहिए सो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो साइंस विद काजल मैम के नाम से, जहां पर डेली के क्लासेस का PDF एंड नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। बायोलॉजी स्पेशल क्लास है जो कि स्टार्ट हो चुकी है 6 सितंबर से काजल मैम की, तो ये बैच आप परचेज कर सकते हो। DP सर लेकर आए हैं 399 रुपीज़ में वैदिक मैथ्स, जिसकी 9 अगस्त से ये स्टार्ट हो रहा है आपका। UP TET का बैच गाइस 999 रुपीज़ का है और ये स्टार्ट हो रहा है 5 सितंबर को, यानी कि कल से। इसके अलावा पेडागोगी बैच लेकर आए हैं आपके लिए PD सिंह सर और ये 599 रुपीज़ का है, जो कि 5 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। मैम आज सैटरडे है। हाँ तो सैटरडे है तो क्या कुछ खास है क्या, आज किसी का हैप्पी वाला बर्थडे है क्या आज? स्टेट PCS का बैच है गाइस जो कि आपका स्टार्ट हो रहा है, ये 2999 का बैच है, 1 ईयर इसकी वॉलिटी रहेगी। और ये बिहार स्पेशल बैच है 2599 रुपीज़ का। राजस्थान स्पेशल बैच 2599 रुपीज़ का बैच है, जो कि 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। मैथ्स प्लस साइंस का कॉम्बो बैच लेकर आए हैं जिसका अमाउंट कम करके 1111 रखा गया है, ये 26 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है। फिजिक्स लेकर आए हैं अंकुर सर आपके लिए, जो कि 1 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है, 451 रुपीज़ इसका अमाउंट रहेगा। कैसी हो मैम? मैम बहुत अच्छी है, तुम लोगों का प्यार मेरे साथ है तो मैं बहुत अच्छी हूँ। पारुल मैम लेकर आई हैं, 5 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है आपका, यानी कि कल से 499 का ये बैच रहेगा। और धर्मेंद्र सर आपके लिए लेकर आए हैं नया बैच 699 रुपीज़ का, कंप्लीट ज्योग्राफी 1 सितंबर से। SK यादव सर हिस्ट्री लेकर आए हैं, कंप्लीट हिस्ट्री 1 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है, 699 रुपीज़ का ये बैच है। और ये रही आपकी आज की पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़। तो भाई न्यूज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शुरू क्या है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एटीट्यूड बॉय, क्या बात है, क्या बात है यार, मतलब नाम ही एटीट्यूड है तो एटीट्यूड कितना होगा। चलिए अच्छा, शुरुआत करते हैं पहली न्यूज से। और जो पहली न्यूज है वो क्या कहती है, पहली न्यूज ये है आपकी। देखो, एक हमारी यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, और उसका नाम है पुडुचेरी। तो पुडुचेरी जो यूनियन टेरिटरी है, अब उसको स्टेट बनाए जाने की बात चल रही है, जिसके लिए अप्रूवल मांगा जा रहा है, किससे, पार्लियामेंट से अप्रूवल मांगा जा रहा है। तो पुडुचेरी स्टेट बनने जा रहा है, इस चीज़ की खुशी कितने लोगों को है और दुख कितने लोगों को है, और बाकी सब तो क्या है, न्यूट्रल है मैम, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टेट बनाओ यूटी बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए भाई, इस पर्टिकुलर न्यूज़ के बारे में जानते हैं सारी चीज़ें। देखो, एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे, सुनो, आपसे पूछा जा रहा है किस यूटी के लिए राज्य के दर्जे की मांग को स्वीकार करने का निर्णय लिया जा रहा है। तो आंसर क्या चला जाएगा, पुडुचेरी चला जाएगा। कुछ समय पहले की बात है, पुडुचेरी के अंदर इलेक्शंस चल रहे थे, और जब यहाँ पर इलेक्शंस हुए थे तो एक पार्टी है जिसको, जो कि यहाँ पर जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले थे, और ये जो पार्टी थी आपकी, ये कौन सी पार्टी थी, ऑल इंडिया NR
कांग्रेस पार्टी, ठीक है। तो ये वाली पार्टी जो है इसको सबसे ज्यादा वोट तो मिले थे लेकिन इसे पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, और जब किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो वो क्या करती है, वो गठबंधन बनाती है। तो इसने किसके साथ में, बीजेपी के साथ में मिलकर गठबंधन बनाया था। क्या बनाया था, गठबंधन बनाया था। और इसने ये अनाउंस भी कर दिया था कांग्रेस की पार्टी ने कि जैसे ही हमारी सरकार बनती है हम क्या करेंगे, हम जो यूटी है पुडुचेरी उसको स्टेट का दर्जा दिलवाएंगे। तो ये अनाउंसमेंट यहां पर पहले ही कर दिया गया था कि अब पुडुचेरी को स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। तो इन्होंने यहां पर ये जो प्रोसेस है इसको शुरू कर दिया है। और इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने यहां पर पार्लियामेंट में अप्रूवल के लिए तो भेज दिया है। अब होगा क्या, आपको क्या लगता है इसमें अप्रूवल मिल जाएगा? लेकिन पार्लियामेंट ने फिलहाल अभी तक कोई जवाब यहां पर नहीं दिया है और इसका भी इंतजार हो रहा है कि पार्लियामेंट की तरफ से क्या जवाब आता है, ठीक है। जब किसी भी यूटी को स्टेट बनाया जाता है, किसी भी स्टेट को यूटी बनाया जाता है तो ये किस आर्टिकल में आता है, अगर आपसे पूछा। पुडुचेरी के अंदर चार जिले हैं, बिल्कुल नौ मर्सी सही बोल रहे हो। पुडुचेरी के अंदर चार जिले हैं और ये कितने राज्यों में फैला हुआ है, तो ये तीन राज्यों में फैला हुआ है। एक बार से जरा मैप में देख लेते हैं पुडुचेरी को, ध्यान से सुनो। ये रहा आपका पुडुचेरी, जो यनम जो जिला है ये आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा, ये वाला जिला, ठीक है। नीचे आते हो तो नीचे तमिलनाडु वाला एरिया है, यहाँ पर आपको दो और मिलते हैं, पुडुचेरी हो गया और कराईकल हो गया, ये तमिलनाडु में, और यहाँ पर माहे जो है ये केरला के अंदर है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुडुचेरी के जो चार जिले हैं वो कितने राज्यों में फैले हुए हैं, तो ये कुल मिलाकर तीन राज्यों में फैले हुए हैं। इतनी चीज़ें क्लियर है सबको? हाँ, एप्लीकेशन पे चल रही है अविनाश बेटा, एक बार इसे चेक करो, क्लास चल रही है एप्लीकेशन पे। बाकी बच्चे यहाँ देखो गुड मॉर्निंग भी कर रहे हैं, ठीक है। चलो भाई अब देखते हैं इस पर्टिकुलर न्यूज से एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं। जब किसी भी यूटी को स्टेट का दर्जा दिया जाता है तो इसके लिए कोई आर्टिकल नहीं दिया गया है, इसके लिए हमारे संविधान में कोई आर्टिकल नहीं दिया गया है। इसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि आपको पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना है। अगर मेजॉरिटी मिल जाती है, बहुमत मिल जाता है, तो जो यूटी है उसे स्टेट बना दिया जाएगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर है जो आपको याद रखनी है, जब किसी भी स्टेट की बात करते हैं, किसी भी स्टेट का मान लो नाम चेंज करना है, स्टेट के अंदर बाउंड्री को डिवाइड करना है, उसकी बाउंड्री में कोई भी चेंजमेंट करना है, जैसे कि योगी जी करते ही रहते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज आती है वो किस आर्टिकल में आती है, तो ये आती है आर्टिकल 3 में। जैसे कि आंध्र प्रदेश के अंदर है ना डिवाइड किया गया था आपका, और तेलंगाना अलग कर दिया था, तो ये जो चीजें आती है वो आर्टिकल 3 में आती है। लेकिन एक और चीज याद रखना, कोई भी ऐसी जगह जो हमारे देश से बाहर है, ठीक है, दूसरे देश के साथ में बाउंड्री टच कर रही है और वो जो राज्य है वो भारत में शामिल होना चाह रहा है, तो उसको जब इंडिया के अंदर शामिल करके एक स्टेट का दर्जा दिया जाता है तो ये किस आर्टिकल में आता है, ये आर्टिकल 2 में आता है। किस में आता है, ये जो है आर्टिकल 2 में आता है, ये हमारे देश से बाहर की बात है। तो ये प्लीज दोनों पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। और यूटी को स्टेट बनाया जा रहा है ये किसी आर्टिकल में नहीं आता है, इसके लिए क्या चाहिए होता है, मेजॉरिटी चाहिए, पार्लियामेंट में अप्रूवल मिल जाए। तो क्लियर है सारी चीजें? चलो भाई आगे बढ़ लिया जाइए। आवाज सही से नहीं आ रही है, अरे यार तुम्हारी प्रॉब्लम्स कब खत्म होंगी कसम से, कभी आवाज नहीं आ रही है, कभी मैम कमेंट नहीं पढ़ रही है। निर्मल गुप्ता, बेटा चुल्लू भर पानी लो और उसमें डूब मरो, ठीक है। सुबह सुबह मेरे से क्या क्या सुनते हो तुम, ना शांति से बैठकर क्लास नहीं ले सकते। चलो भाई पुडुचेरी घुमाते हैं तुमको, जरा देखते हैं पुडुचेरी के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं यहाँ पर जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सुनो, पुडुचेरी पहले किसके अधीन हुआ करता था, अगर आपसे पूछा जाए तो पहले इस पे फ्रांस का शासन हुआ करता था। किसका? फ्रांस का शासन हुआ करता था। और इसे यूटी का दर्जा कब मिलता है, 1962 में इंडिया के द्वारा पूरी तरह से इसे यूटी बनाया गया था। लेकिन जब इससे पहले जब फ्रांस का यहाँ पर शासन चला करता था, ये कब चला करता था, तो बेसिकली यहाँ पर क्या बात है, 1674 की बात है। 1674 में क्या हुआ था, फ्रांस ने पूरी तरह से पुडुचेरी को कैप्चर कर लिया था। कब? 1674 में पूरी तरह से जो है पुडुचेरी को कैप्चर कर लिया जाता है फ्रांस के द्वारा, और 1954 तक जो है वो बेसिकली यहाँ पर पूरी तरह से इन्होंने शासन किया था। कब तक? 1954 तक रहता है ये शासन। उसके बाद इनको आज़ाद कर दिया जाता है और 1962 में इंडिया के द्वारा यूटी जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है। किसको? पुडुचेरी को, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए पौंडीचेरी, आपको पता है कि पहले पुडुचेरी जो है इसका नाम क्या हुआ करता था, पहले इसका नाम पौंडीचेरी हुआ करता था, तो ये जो नाम चेंज करके पुडुचेरी किया गया ये कब बदला गया है, 2006 में। कब ये चेंज किया गया? 2006 में चेंज किया गया। आवाज स्लो आ रहा है मैम, अपने फोन की वॉल्यूम बढ़ाओ, थोड़ा सा ईयरफोन
कान में घुसाओ, ठीक आ जाएगी फिर, ठीक है। चलो अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि पुडुचेरी के जो पहले सीएम रहे थे उनका नाम क्या है, एडवर्ड गॉर्बेट करके उनका नाम है, एडवर्ड गॉर्बेट करके इनका नाम है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो और क्या क्या पूछा जा सकता है यहाँ पर, जो लैंग्वेज बोली जाती है कौन सी लैंग्वेज का यहाँ पर यूज किया जाता है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज अगर आपसे पूछा जाए तो पुडुचेरी के अंदर जो ऑफिशियल लैंग्वेज का यूज किया जाता है कौन सी लैंग्वेज है, यहाँ पर तमिल, ये ध्यान रखना। एक्सपेरिमेंट सिटी किसे कहा जाता है, देखो पुडुचेरी के अंदर एक ऐसी सिटी है ओरोवेली करके, ओरोवेली सिटी, ये जो सिटी है इसे एक्सपेरिमेंट सिटी के रूप में जाना जाता है। फ्रांस ने पुडुचेरी को पूरी तरह से कैप्चर जो कर लिया था वो कब कर लिया था, यूटी का फुल फॉर्म क्या है, हे भगवान उठा ले मुझे, उठा ले भगवान मुझे, बेटा यूटी का फुल फॉर्म होता है यूनियन टेरिटरी, कसम से यार, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ सुनो, 1674 होगा यहाँ पर आपका सही आंसर, 1674। टोटल डिस्ट्रिक्ट्स कितने आते हैं, अगर आपसे पूछा जाए पुडुचेरी के अंदर टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं और ये 3 राज्यों के अंदर फैला हुआ है, कितने राज्यों में, 3 राज्यों में ये फैला हुआ है, ठीक है। इतनी चीजें आपको याद रखनी भाई यहाँ से, किसी को कोई प्रॉब्लम, सब ठीक है ना। अच्छा चलो फिर आगे बढ़ लेते हैं, सुनो हाँ सीएम, सीएम यहाँ पर आपकी रंगा स्वामी जी हो जाएंगे जो कि पुडुचेरी के अंदर सीएम है, ओके। केंद्र शासित प्रदेश, हाँ हिंदी में होता है केंद्र शासित प्रदेश, बच्चे यूट्यूब वाले मेरा साथ देते हुए, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, सुनो, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए ग्रामीण कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसका नाम क्या है, साथ, तो ये जो साथ कार्यक्रम है ये किसके द्वारा शुरू किया गया है ये आपको बताना है। देखो इसमें होगा क्या, साथ से तो क्लियर है, साथ दिया जाएगा, किसका दिया जाएगा, महिलाओं का दिया जाएगा, जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं कहाँ पर, अगर मैं बता दूंगी कहाँ पर तो आप आंसर, अरे वाह क्या बात है, एक बच्चे को आंसर पता है बेटा, वही बार बार कमेंट किया जा रहा, मैं खुश हो गई थी ये सोच करके कि सारे बच्चों को इसका आंसर पता है। देखो आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर मनोज सिन्हा जी है, तो यानी कि ये कहाँ पर किया जा रहा है, जम्मू कश्मीर के अंदर, मनोज सिन्हा जी के द्वारा एक अनाउंसमेंट किया गया है कि जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनमें जितनी महिलाएं काम कर रही, यानी कि यहाँ पर कितनी, 400,000 महिलाएं काम कर रही है, तो इनको क्या किया जाएगा, इन महिलाओं को स्टार्टअप्स दिए जाएंगे। तो क्या मैडम इतनी सारी महिलाओं को स्टार्टअप्स दिए जाएंगे, नहीं, यहाँ पर 400,000 में से 5,000 महिलाओं को सेलेक्ट किया जाएगा। तो इन 5,000 महिलाओं को किस प्रकार से सेलेक्ट किया जाएगा, तो इनको सेलेक्ट करने के लिए एक कैंपेन है जो कि सरकार के द्वारा चलाया गया था, ठीक है, एक अभियान सरकार के द्वारा चलाया जाता है यहाँ पर, और उसके अंदर ये 5,000 महिलाएं सेलेक्ट की जाएंगी, ठीक है। अच्छा तो क्या मैम 5,000 लोगों को, मतलब इतनी महिलाओं को स्टार्टअप्स दिए जाएंगे, नहीं, इन 5,000 महिलाओं को बाद में क्या दिया जाएगा, इनको ट्रेनिंग दी जाएगी, और ट्रेनिंग देने के बाद में भी इनमें से 500 महिलाओं को शामिल किया जाएगा। तो क्या मैम 500 महिलाओं को स्टार्टअप्स मिलेंगे, नहीं, इनमें से टॉप की जो 100 महिलाएं होंगी उनको चुना जाएगा जो अच्छा परफॉर्मेंस देंगी, और उसके बाद उन 100 महिलाओं को, यानी कि कुल मिला के 100 महिलाओं को क्या दिए जाएंगे, यहाँ पर स्टार्टअप्स प्रोवाइड किए जाएंगे। कितनी महिलाओं को, 100 महिलाओं को स्टार्टअप्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। मनोज सिन्हा के द्वारा एक और बात यहां पर बोली गई है कि हमारे पास में कुल 48,000 क्या है, कुल 48,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, और इनको इंक्रीज करने की बात की गई है प्लस 11,000, यानी कि आने वाले समय में ये 59,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो जाएंगे जिनके अंदर महिलाओं की संख्या भी बढ़ा दी जाएगी। इतनी चीजें क्लियर है, गांव की महिलाओं को, बिल्कुल गांव की महिलाओं को, अर्जुन सक्सेना जी, बिल्कुल गांव की महिलाओं को ये दिया जाएगा। तो ये स्टार्ट किसके द्वारा किया गया है, मनोज सिन्हा जी के द्वारा, जो कि जम्मू कश्मीर के क्या हो जाएंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर है। इनसे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, गिरीश चंद्र मुर्मू जी थे। अब वो कौन बन चुके हैं, तो अब वो इंडिया के अंदर कैग बन चुके हैं। इतनी चीजें क्लियर है सबको, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब आप लोग मुझे क्वेश्चन बताओ, कुछ समय पहले हमने पढ़ा था सेल्फ हेल्प ग्रुप को लेकर के एक ब्रांड का नाम दिया गया है, ठीक है, और सोन चिरैया ब्रांड को नाम दिया है, तो ये जो नाम दिया गया था वो किसके द्वारा दिया था और कहां पर दिया था, इसका मैं देखती हूँ कौन बच्चा सबसे पहले आंसर करता है। जो आंसर करेगा बेटा मैं समझूंगी वही रिविजन कर रहा है, बाकी तो कोई रिविजन ही नहीं कर रहा फिर। मैम स्टार्टिंग पॉइंट्स पे थोड़ी देर रुका करे, क्यों कुछ छूट जाता है क्या तुम्हारा कुछ छूट जाता है तुम्हारा। चलो इसको मनोज सिन्हा जी के द्वारा ये अनाउंसमेंट यहाँ पर कर दिया गया है। अब चलिए जान लेते हैं जरा इस क्वेश्चन से रिलेटेड और कौन कौन से क्वेश्चन से जो आपसे पूछे जा सकते हैं। सुनो पंजाब से रिलेटेड पॉइंट सुनो,
सॉरी जम्मू कश्मीर यार, जम्मू कश्मीर। देखो आपसे पूछा जा रहा है कि जो प्रूफ एप्लीकेशन है ये कहाँ पर लॉन्च की गई है, तो ये जम्मू कश्मीर में लॉन्च की गई थी। और इसके अंदर क्या था कि स्टेट के अंदर जितने भी डेवलपमेंट को लेकर काम चल रहा है, तो उस सारे काम को प्रूफ करने के लिए, मतलब उस पर निगरानी रखने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च की जाती है और प्रूफ ऐप के नाम से। प्राचीन काल में जम्मू कश्मीर के जो प्रमुख है उन्हें क्या कहा जाता, एंशियंट टाइम की बात करते तो पहले जो जम्मू कश्मीर के जो प्रमुख यानी कि जो हेड हुआ करते थे उनको एक नाम दिया जाता था, सदर ए रियासत कहा जाता था। क्या कहा जाता, सदर ए रियासत इन्हें कहा जाता था। और ये पेपर में पूछा जा चुका है आपसे, ठीक है, सदर ए रियासत इन्हें कहा जाता था प्राचीन काल में। श्रीनगर आपसे पूछा जाए किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है, श्रीनगर जो है ये आपका कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है, कौन सी नदी, झेलम नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे, झेलम नदी के किनारे पर बसा हुआ है। जीआई टैग्स, यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिए थे, एक तो कश्मीरी केसर हो जाएगा और दूसरा जो प्रोडक्ट है दैट इज गुच्छी मशरूम, कौन सा, गुच्छी मशरूम। अब यहीं से एक पॉइंट ये भी याद रखना, श्रीनगर के अंदर एक प्रोडक्ट उगाया जाता है उसको बोला जाता है मिश्री चेरी, जिसका एक्सपोर्ट किया जा रहा पहली बार, और ये जो एक्सपोर्ट है वो यूएई को किया जा रहा, साथ में वो भी भेजे गए हैं आपके जो ड्रैगन फ्रूट हो दैट इज कमलम, ठीक है, तो ये भी भेजे गए हैं, कहाँ से, गुजरात से भेजे गए हैं। बिल्कुल सही आपका आंसर गाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। आगे सुनो, नेशनल पार्क्स अगर पूछा जाए तो यहाँ पर जो है आपको किश्तवाड़ नेशनल पार्क देखने को मिलता है और एक मिलेगा आपको दाचीगम नेशनल पार्क, ठीक है। दाचीगम हेमिस जो है वो पहले जम्मू कश्मीर में आता था, लेकिन अब वो कहाँ पर आता है, आपका लद्दाख में आता है। हेमिस जो है लद्दाख का इकलौता नेशनल पार्क है। आगे सुनो, पेंशन अदालत स्टार्ट की जाती है जम्मू कश्मीर में, पेंशन सिस्टम अवेयरनेस और ग्रीवेंस रिड्रेसल प्रोग्राम है जो कि स्टार्ट किया गया था कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। और पहले यहाँ पर क्या हुआ करता था, दरबार मूव हुआ करता था, जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं वो, जैसे दो कैपिटल हैं जम्मू और श्रीनगर, तो हर छः महीने में एक कैपिटल से दूसरे कैपिटल पूरा का पूरा दफ्तर शिफ्ट किया करते थे। तो ये जो परंपरा थी लगभग 150 साल पुरानी परंपरा को अब क्या कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। अब इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया है, किसने, जम्मू कश्मीर ने। मीठे पानी की यहां पर सबसे बड़ी झील आएगा, सबसे बड़ी झील, लार्जेस्ट, तो ये कौन सी है, वूलर लेक है, और ये आपको कहां पर मिलती है, जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। आगे सुनो, रामसर साइट कौन सी है, यहां पर आपको एक लेक देखने को मिलती है जिसका नाम क्या हो जाएगा, मानसर लेक है। और ये जो मानसर लेक है ना, ये रामसर साइट में शामिल है, ठीक है, जो मानसर लेक है वो रामसर साइट में शामिल है। हाँ, मीठे पानी की वूलर झील है, गोयनका सोनी बता दिए बेटा, बता दिए हैं, ठीक है, चलो। कुछ बच्चे भावनाओं में बह जाते कि मैम ये पॉइंट छूट गया है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए हाईएस्ट रेल ब्रिज, ये जो हाईएस्ट रेल ब्रिज की जो मैं बात कर रही हूँ, ये दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ब्रिज है और ये कौन से रिवर पे बनाया जा रहा है, तो याद रखिएगा चेनाब रिवर पे बनाया जा रहा है और इसके जो लोकेशन है वो आपको जम्मू कश्मीर के अंदर ही देखने को मिलती है। तो बस ये दो चीज़ें पूछी जाएंगी इससे, कहाँ पर है और किस नदी पर ये बना हुआ है। महाकाल जी, बिल्कुल, देखो जम्मू कश्मीर को यूटी का दर्जा कब दिया था, ये बेसिक चीज़ तो मैं बताना ही भूल गई। यूटी 31st of October 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूटी का दर्जा दिया जाता है, जिसमें आर्टिकल 370 के कुछ क्लासेस हैं जो कि हटा दिए गए थे, ठीक है, और तभी से ये आपका क्या बन गया था, यूटी बन गया था। बस ये दो तीन फैक्ट्स हो रहे हैं। श्रीनगर फील्ड फायरिंग रेंज का जो नाम है वो किसके नाम पे रखा गया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहा था। इंग्लिश में नहीं मिलेगी अनिमेश कुमार, ये जो है ना वो मैंने बेसिक लैंग्वेज यूज़ की हुई है, इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्ड्स मिलेंगे, कुछ भी हिंदी का कुछ ऐसे टिपिकल वर्ड्स नहीं है जो आपको समझ में ना आए। जैसे कि श्रीनगर फील्ड फायरिंग रेंज मैंने इंग्लिश में लिखा और किसके नाम पे रखा गया है, तो ये विद्या आंटी जी के नाम पे रखा गया था, ठीक है, विद्या आंटी जी के नाम पे रखा। हौसला योजना महिलाओं के लिए स्टार्ट किया गया था जम्मू कश्मीर में, बंगस आवा मेला ये जम्मू कश्मीर में लगता है, और इसी के साथ में एक और मेला याद रखना है, कौन सा, खीर भवानी मेला, कौन सा मेला, खीर भवानी मेला। खीर सुनकर मुंह में पानी तो नहीं आ गया है किसी के, हाँ। अच्छा, कल टीचर्स डे, तुम लोग क्या गिफ्ट दे रहे हो मुझे फिर, हाँ कल टीचर्स डे भैया क्या गिफ्ट दे रहे हो बता देना कल। अच्छा, टूलिप फेस्टिवल की बात करते हैं, तो टूलिप फेस्टिवल जो है ये आपका कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये जो फेस्टिवल है वो जम्मू कश्मीर के अंदर ही सेलिब्रेट किया जाता है। जम्मू कश्मीर में कौन सी जगह पर, श्रीनगर में, कहाँ पर, श्रीनगर के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। इतनी चीज़ें क्लियर है मैम, प्लीज़ प्रोवाइड इन इंग्लिश ऑल्सो। अरे यार तुम लोग ना
ठीक है, इंग्लिश में प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, आप मुझे क्वेश्चन का आंसर करो, जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुए थे जिसका सेकंड एडिशन गुलमर्ग में आयोजित किया गया था, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में, तो इसमें कौन सी टीम जीती थी, ये मुझे फटाक से आंसर करके बताओ। ठीक है, तब तक हम बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज देखो क्या है, इनोवेशन मिशन पंजाब, आई एम पंजाब, ये किसने लॉन्च कर दिया। गाइज प्लीज सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते हुए चलिएगा, बिना किसी कंजूसी के साथ में, ठीक है। और देखो जितना वॉचिंग चल रहा है, एटलीस्ट उतना सेशन को लाइक कर दो, तुम्हारे इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है, और मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं अपना बेस्ट बेस्ट दूंगी, ठीक है। तो जल्दी से करके सेशन को लाइक कर दे। आईटीबीपी ने, बेटा आईटीबीपी ने जो जीता था ना, वो आइस हॉकी चैंपियनशिप हुआ था, ठीक है ना। पवन देखो सारे के सारे आईटीबीपी आंसर कर रहे हैं। अरे यार, खेलो इंडिया विंटर गेम्स की बात कर रही हूँ मैं, विंटर गेम्स की बात कर रही हूँ, ये किसने जीता था, तो ये जम्मू कश्मीर ने जीता था, और विंटर गेम जिसका ये सेकंड एडिशन जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुआ था, जम्मू कश्मीर ने जीता था। अब आते हैं इनोवेशन पंजाब में। देखो बात पंजाब की है, तो यहाँ पर किसने लॉन्च किया होगा, मोदी जी, कहीं भी जा सकते भाई, हो सकता है कर दिया हो, अमरिंदर सिंह ये बिल्कुल कर सकते हैं भैया, यहाँ के सीएम है। राजनाथ सिंह ये तो डिफेंस मिनिस्टर है, तो ये भी कहीं पर भी कुछ कर सकते हैं, और ये हमारे गृह मंत्री हैं, ये भी कुछ कर सकते हैं। तो चलो आंसर लेकिन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि सीएम है कहाँ पर, पंजाब के अंदर, तो इन्होंने स्टार्ट किया। अब देखो इसके अंदर होगा क्या, इनोवेशन पंजाब मिशन, इस मिशन के अंदर ये बताया जा रहा है कि जितने भी पंजाब के अंदर स्टार्टअप्स हैं, फिर से मैडम स्टार्टअप्स, अरे भाई हम क्या करें यार, क्वेश्चन आते हैं, सुनो, जितने भी यहाँ पर स्टार्टअप्स हैं, उन स्टार्टअप्स को अच्छी तरह से इनिशिएट करने के लिए प्राइवेट कंपनीज को बाहर से क्या बुलाया जाएगा, बाहर से इनवाइट किया जाएगा, ताकि आप आओ और लोगों को सिखाओ स्टार्टअप्स के बारे में। जैसे कि मान लो हमारी क्लास में कौन है, कविता कुमारी जी है मान लो, ठीक है, इन्होंने कोई स्टार्टअप स्टार्ट किया है, और वो जो स्टार्टअप इन्होंने स्टार्ट किया, मान लो इन्होंने कोई कोई शॉप करी है, कोई दुकान खोली है, ठीक है, मान लो किसी भी चीज़ की कोई दुकान खोली है, तो अब उसको मार्केट में कैसे उतारना है ना, मार्केट प्रोवाइड करना है उसको, उसको नेटवर्क प्रोवाइड करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स उनके साथ में जुड़े, तो इन चीजों की जानकारी कविता रानी को बिल्कुल नहीं है, तो ये क्या काम करेंगी, ये क्या करेंगी, उस प्राइवेट कंपनी से पूछेंगे कि भैया बताओ, मैंने दुकान तो खोल ली है, अब मैं आगे कैसे बढ़ूं, मैं अपना बिजनेस आगे कैसे बढ़ाऊं, तो इसके लिए जो प्राइवेट कंपनीज है वो यहां कर आकर के इनको समझाएंगे, तो इसके लिए मिशन चलाया गया। लेकिन उसके बाद भी कविता रानी बोलती है कि आपने मार्केट तो प्रोवाइड कर दिया, आपने नेटवर्क भी प्रोवाइड कर दिया, लेकिन अभी भी जो कस्टमर्स है ना, वो मेरी दुकान पे आ ही नहीं रहे हैं, तो अब मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपना जो सामान है ना, वो जाकर के फ्लिपकार्ट या फिर अमेजन पर बेचूं। लेकिन आप क्या चाह रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि अमेजन पर जाना कैसे है, वो सामान वहाँ पर सेल आउट करना कैसे है, आपका सामान सेल हुआ नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें आपको कुछ नहीं पता, तो इन सब चीज़ों की जानकारी भी कौन देगा, ये जो कंपनीज इनवाइट की जा रही है ना इस मिशन के तहत, ये कंपनीज ही आपको ये सारी जानकारी भी देंगी, ठीक है। मैम कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दे थोड़ा सा, क्यों भाई अब क्या दिक्कत हो गई है, तुम्हारी तो डिमांड ना कसम से, इतनी चीजें क्लियर है। तो ये प्राइवेट कंपनीज यहाँ पर इन स्टार्टअप्स को क्या करेंगी, आगे बढ़ाने का काम करेंगी। तो आप ये कहोगे मैडम इतने कितने स्टार्टअप्स है पंजाब के अंदर, तो यहाँ पर कुल 450 स्टार्टअप्स है जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कितने, 450 स्टार्टअप्स पंजाब के अंदर देखने को मिलते हैं। हैंडराइटिंग कैसी आ रही है, अच्छी आ रही है कि नहीं आ रही है, हाँ भाई हैंडराइटिंग अच्छी आ रही है कि नहीं आ रही है। चलो आगे समझते हैं पंजाब से रिलेटेड और कौन कौन सी न्यूज है जो आपसे पूछी जा सकती है। सुनो भैया आगे देखो पंजाब के बारे में बात करते हैं। सुनो आपसे पूछा जा रहा है गवर्नर, पंजाब के अंदर जो गवर्नर थे दैट इज वीपी सिंह बदनोर, लेकिन अभी एक चीज चल रही है, न्यूज चल रही है कि यहाँ पर जो गवर्नर थे उनका वो जा चुके हैं और नए गवर्नर का एडिशनल चार्ज दिया गया है। अब ये जो नए गवर्नर है वो तमिलनाडु के गवर्नर है, जिनका नाम क्या है, बनवारी लाल पुरोहित है, तो इन्हें यहाँ पर दिया गया है क्या एडिशनल चार्ज, ठीक है। अच्छा जो सिखों के गुरु थे कितने, 10 गुरु थे, तो उनमें से जो हिंद की चादर है वो कौन से गुरु को हिंद की चादर कहा गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, गुरु तेग बहादुर को कहा गया है, गुरु तेग बहादुर को कहा गया है हिंद की चादर, ठीक है। हाँ कृषि कानून का उल्लंघन करने वाला देश का पहला राज्य बना है आपका बिहार, एक पहचान, बिल्कुल सही बोल रहे हो, तुम जरूर पहचान बनाओगे, ठीक है। चलो सुनो फर्स्ट सीएम ऑफ पंजाब, अगर आपसे पूछा जाए कि जब हमारा देश इंडिपेंडेंट, जब इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया का जब देश आजाद हुआ था, तो जो पहले सीएम यहाँ पर बनाए गए थे उनका नाम क्या है, गोपी चंद जी बने थे, कौन बने थे, गोपी चंद यहाँ पर बनाए गए थे। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा समय तक सीएम कौन रहे थे, तो आपका आंसर क्या होगा, प्रकाश सिंह बादल थे,
कौन थे? प्रकाश सिंह बादल थे, जिन्होंने सबसे लंबे समय तक सीएम के रूप में सर्विस दी है। फर्स्ट गवर्नर अगर पूछा जाए तो आप क्या कहोगे? जो आपके फर्स्ट गवर्नर थे दैट इज चंदूलाल त्रिवेदी। कौन थे? चंदूलाल त्रिवेदी। ठीक है, और देखो स्टेट पीसीएस की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं तो वो महिला का नाम जरूर याद रखेगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पर जो फर्स्ट वुमेन रही थी उनका नाम क्या है, तो राजेंद्र कौर भट्टल है। क्या नाम है? राजेंद्र कौर भट्टल। ये भी ध्यान रखिएगा, राजेंद्र कौर भट्टल जो है यहाँ पर फर्स्ट वुमेन गवर्नर रह चुकी है। कहाँ पर? पंजाब के अंदर। पंजाब में कब से स्टार्ट हो रहा है मैम ये स्टार्टअप? देखो अभी एग्जैक्ट डेट तो नहीं बताई गई है, लेकिन स्टार्ट हो रहा है आपका, हो चुका है आई थिंक। ठीक है, हो चुका है। ये पेपर में नहीं पूछा जाएगा। पर्सनल जानकारी लेना चाहते हो किसी बहन किसी अपनी रिश्तेदार के लिए तो एक बार से वेबसाइट पर जाकर चेक कर लेना इसके बारे में। ठीक है, चलो। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि पहले पंजाब को किस नाम से जाना जाता था, तो पंजाब को पहले सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता था। इसका जो पुराना नाम हुआ करता था वो सप्त सिंधु हुआ करता था। पंजाब के अंदर एक ऐसी सिटी है जिसे साइंस सिटी के रूप में भी जाना जाता है, और ये जो सिटी हो जाएगी दैट इज जलंधर। जलंधर को साइंस सिटी ऑफ पंजाब कहा जाता है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए फेमस टेम्पल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो भैया अमृतसर के अंदर आपको एक टेम्पल देखने को मिलता है, दैट इज गोल्डन टेम्पल। कौन सा टेम्पल? गोल्डन टेम्पल, ये यहाँ का फेमस टेम्पल है। गुरुमुखी लिपि की जो रचना की जाती है ये किसके द्वारा? जो गुरुमुखी लिपि है ये रचना किसने की थी? गुरु अंगद देव जी ने की थी। आपका बैच कहाँ से मिलेगा? अरे भाई फ्री में पढ़ा रहे तो पढ़ो ना, जरूरी है पैसा खर्च करना। हमारी सारी क्लासेस फ्री चलती हैं। ठीक है, ये फ्री चल रही है। हाँ भाई, तो आंसर क्या हो जाएगा? गुरु अंगद देव ने। ठीक है, आगे सुनो। रणजीत सागर डैम अगर आपसे पूछा जाए कौन सी रिवर के ऊपर बना हुआ है, तो ये बना हुआ है रावी नदी के ऊपर। आपसे पूछा जाए कहाँ पर बना हुआ है, तो ये जो है पंजाब के अंदर ही लोकेटेड है, और रावी नदी के ऊपर इसे बनाया गया है। कहाँ पर? रावी नदी के ऊपर बनाया गया, पठानकोट नाम की एक जगह है, वहां पर यह डैम देखने को मिलता है। इज दैट क्लियर टू एवरी वन? एंड गाइज प्लीज, फिर से यार तुम लोगों को ना बार बार याद दिलाना पड़ता है, प्लीज सेशन को लाइक एंड शेयर करते हुए चले। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, टारगेट रखते हैं, ज्यादा नहीं 500 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। ठीक है, तो ये जल्दी से करके आपको अचीव करना है। ओके, चलो अगली न्यूज देखते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन ये भी कई बार पूछा जाता है कि पंजाब को हरियाणा से कब अलग किया गया था, तो ध्यान रखिएगा 1966 में अलग होते हैं, और इनकी जो स्थापना है वो 1966 में ही की जाती है। हाँ, कोवैक्स पहल में शामिल होने वाला पहला राज्य आपका पंजाबी बना था। यस महाकाल जी, बिल्कुल जैसा नाम वैसा काम, बहुत अच्छा। आगे सुनो, आईआईटी रोपड़ और आईआईटी कानपुर ने किस यूनिवर्सिटी के साथ में मिलकर यू ब्रेथ लाइफ नामक एक जीवित पौधे आधारित वायु शोधक को लॉन्च किया? ये क्या है? ये एक प्लांट है बेस्ड, अरे यार एक सेकेंड, ये क्या है? एक प्लांट है बेस्ड एयर प्यूरिफायर। मतलब क्या काम करेगा? एक ऐसा प्लांट है जो कि एयर को प्यूरिफाई करने का काम करेगा। तो इस प्लांट को अभी क्या किया गया है, इस प्लांट को यहां पर लॉन्च कर दिया गया है किस यूनिवर्सिटी के साथ में मिलकर? दो आईटी याद रखना, आईटी रोपर है और आईटी कानपुर है। इसने एक यूनिवर्सिटी के साथ में मिल करके ये क्या किया है, एक लॉन्च किया है, एक लाइव प्लांट लॉन्च किया है जो कि क्या काम करेगा, एयर को प्यूरिफाई करने का काम करेगा। जेएनयू के साथ में जो तुक्का लगाएगा ना उसको पाप लगेगा। अब देख लो कौन कौन लगाएगा, चिरकुट की उपाधि देंगे उसको। तो ईमानदारी से आंसर करो, जेएनयू वाले बेटा गलत जा रहे हो, गलत। पिंकी मैडम का शिशु, देखो नाम रखा पिंकी मैडम का शिशु, आंसर गलत करो तो थप्पड़ लगेंगे ना तुमको। सुनो, आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ में मिल करके ये लॉन्च किया गया। तो आप कहोगे कि मैडम इस प्लांट में आखिर है क्या, तो देखो पहले तो फोटो देखो ये प्लांट किस प्रकार का है। ये वाला ये प्लांट है, और ये प्लांट जो है ना इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें लगाई हुई है। इस प्लांट की अगर बात करते हैं तो ये एयर को प्यूरीफाई करेगा, जितनी गैसेज होती है उसको भी प्यूरीफाई करेगा। इसके अलावा जो ऑक्सीजन का लेवल है ना, ऑक्सीजन का लेवल उसको भी इंक्रीज करेगा, एयर को भी प्यूरीफाई करेगा। अच्छा तो आप होगी मैडम ऐसा क्या है इस प्लांट के अंदर, इसको एक नाम भी दिया गया, बायोफिल्टर नाम दिया गया है। ठीक है, पीस लिली प्लांट है वैसे तो इसका नाम, लेकिन बायोफिल्टर इसको बोल दिया गया क्योंकि ये फिल्टर करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है ना कुछ ऐसी चीज़ें लगाई हुई, कुछ ऐसे प्यूरीफायर्स इसके अंदर लगाए हुए जो कि रूम को, चाहे आप इसको रूम में रख दो, किसी कॉलेज में स्कूल में, वहाँ पर जो क्लोज एरिया होता है वहाँ पर जो है इसका यूज़ किया जाएगा। हाँ आप इसको अपने रूम में भी रख सकते हो, हद हो गई है। आप गलत आंसर करोगे तो ऐसे बोलूंगी ना, हद क्या हो गई है इसमें।
सुनो, अगर आप इसे अपने रूम में भी रख देते हो तो ये क्या करता है, गैसेस को प्यूरिफाई करने का काम करेगा, ऑक्सीजन लेवल बढ़ा देगा और एयर को प्यूरिफाई करने का काम करेगा। मतलब आपको शुद्ध हवा मिलेगी, शुद्ध हवा मिलेगी। तो नाम क्या है इस पौधे का? पीस लिली प्लांट है। क्या नाम है? पीस लिली प्लांट इसका नाम है, जिसे बायोफिल्टर भी कहा जा रहा है। किसे? जिसे बायोफिल्टर भी कहा जा रहा है। तो इस पौधे का नाम जरूर ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडोर जगह पे ही लगाया जाएगा, ये ध्यान रखना, जैसे कि स्कूल में, कॉलेज में, आप अपने रूम में भी इसको रख सकते हो, ठीक है। लेकिन उसका क्या प्रोसेस रहेगा ये अभी बताया नहीं गया भाई, अभी बस इसको लॉन्च किया गया है। ऑप्शंस पूरे नहीं लिखे थे, अच्छा इसलिए गलत हो गया। हाँ चलो कोई बात नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी लिखना चाहिए था मुझे, है ना। चलो इतनी चीजें क्लियर है सबको, चलो अब आगे बढ़ लेते हैं और जरा देखते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड और क्या क्या चीजें हैं जो आपके आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। सुनो सुनो, उत्तराखंड में भूकंप एप्लीकेशन किस आईआईटी ने लॉन्च की थी? उत्तराखंड की अगर बात करते हैं तो उत्तराखंड हमारे पूरे इंडिया के अंदर एक ऐसा स्टेट है जहां पर भूकंप वगैरह की स्थिति सबसे ज्यादा रहती है। आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, जैसे कि कभी बादल फटना, कभी लैंडस्लाइडिंग हो जाना, या फिर कभी 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 नहीं हो जाता, जैसे ग्लेशियर्स का पिघल जाना। तो ये घटनाएं आए दिन उत्तराखंड के अंदर देखने को मिलती हैं, जैसे कि आपका वो चमोली के अंदर जो घटना घटित हुई थी ग्लेशियर पिघलने की वजह से। तो इसके लिए क्या किया गया था, ये पहला ऐसा स्टेट बना था जिसने भूकंप एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो भूकंप एप्लीकेशन है वो किसने लॉन्च की थी, तो आंसर क्या हो जाएगा, आईआईटी रुड़की के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है। न्यू बोल्ट व्हीलचेयर ये किसने बनाई थी, तो ये जो है आईआईटी मद्रास के द्वारा बनाई गई थी। ये एक ऐसी व्हीलचेयर है जिसके ऊपर बैठने के बाद 25 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है, उबड़ खाबड़ रास्ते में भी ये आसानी से चल सकती है। साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन फॉर एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी, जो एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी है इसके साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन के लिए क्या बनाया जाता है, एंटी ड्रोन ये टेक्नोलॉजी के लिए बनाया गया था। अगर आपसे पूछा जाए ये जो किसके द्वारा बनाया जाता है, यानी कि किस आईआईटी ने इसको डेवलपमेंट किया था, तो आंसर क्या हो जाएगा, आईआईटी कानपुर ने, आईआईटी कानपुर ने इसको डेवलप किया था। डेंगू का 2 घंटे में पता लगाने के लिए किस आईआईटी ने एक डिवाइस लॉन्च की थी? यहाँ पर एक डिवाइस लॉन्च की जाती है जो कि 2 घंटे में ये पता करके बता सकती है कि डेंगू है या नहीं है। तो ये जो काम किया था वो आईआईटी दिल्ली ने किया था। किसने? आईआईटी दिल्ली ने किया था। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? राधे राधे मैम, थोड़ा सा लेट हो गए। थोड़ा नहीं, तुम बहुत लेट हो गए। क्लास का टाइम है 8 बजे, तो एग्जैक्ट 8 बजे पहुंच जाए करो। वैसे आज 7:45 ही था, 8 बजे कल परसों से होने वाला है, तो आप 8 बजे याद करके चलो, ठीक है। कल तो 7:45 लगेगी, शायद परसों से ही क्लास 8 बजे हो जाएगी। ओके आगे सुनो, अभिनव डिजिटल मॉडल, अब ये कौन सा मॉडल है? सुनो, जो अभिनव डिजिटल मॉडल है ई कचरे के समाधान के लिए से लॉन्च किया गया था, और इसे आईआईटी मद्रास के द्वारा ही लॉन्च किया था। किसके द्वारा? आईआईटी मद्रास ने ही इसे लॉन्च किया था। आलू की बीमारी का पता लगाने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च की जाती है, और ये जो एप्लीकेशन है वो किस आईआईटी ने लॉन्च की थी? आईआईटी मंडी ने इसे लॉन्च किया था। समझ आई इतनी चीजें? हाँ भाई, इतनी चीजें समझ आई? मैम आपकी शादी हो गई है क्या? बेटा इस तरह के जो डाउट्स होते हैं ना, वो सब क्लियर करने के लिए आप मुझे फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, पिंकी सरोहा के नाम से मेरी आईडी है, वहां पता चल जाएगा तुमको, ठीक है। चलो क्लास में से क्वेश्चंस मत पूछा करो यार, थोड़ा सा तो ख्याल रखा करो कि तुम क्लास में हो नलायक हो। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सुनो। बांग्लादेशी वैक्सीन एक वैज्ञानिक है जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है, 2021 वाला। अब आप कहोगे कि मैडम बांग्लादेश का है तो हम क्यों पढ़ रहे हैं? वो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से पेपर में क्वेश्चन बनता ही बनता है। और ये वाला जो अवार्ड है वो इस बार किसी भी इंडियन को नहीं दिया गया है, ये लास्ट सिर्फ 2019 में किसी इंडियन को दिया गया था, और ये जो है वो रवीश कुमार जी को दिया था। और जो रवीश कुमार है वो क्या है, हमारे जर्नलिस्ट है। तो इस 2020 में तो ये किसी को ही नहीं मिला था, कोविड के चलते इसको कैंसिल ही कर दिया था। अब 2021 की बात आई है तो ये जो है यहाँ पर 5 लोगों को दिया गया है। कितने लोगों को? 5 लोगों को दिया गया है 2021 में। अब इनमें से जो हमारे काम का है वो बांग्लादेश के वैज्ञानिक है जिन्होंने, जो वैक्सीन वैज्ञानिक के नाम से जाने जाते हैं, और उनका नाम क्या है? क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हुए मेरी क्लास के बच्चे कमेंट सेक्शन में, वेरी नाइस वेरी नाइस। ठीक है सुनो, डॉक्टर फिरदौसी कादरी की बात करते हैं तो ये जो है बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं, और ये जो अवार्ड है वो इन्हें दिया गया है 2021 के लिए, इन्हें ये अवार्ड मिला है, ठीक है, रेमन मैग्सेसे। अगर आपसे पूछा जाए कि जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड है ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो सुनो,
रेमन मैक्स इसे सेंटर है और ये जो सेंटर है आपको मनीला के अंदर मिलता है, फिलीपींस के कैपिटल मनीला में, उसी के द्वारा दिया जाता है। किसके नाम पर? तो ये एक प्रेसिडेंट हुआ करते थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट, किसके? फिलीपींस के। फिलीपींस के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, इन्हीं के नाम पर दिया जाता है, ठीक है, इन्हीं के नाम पर दिया जाता है। क्लियर है सबको? तो आप कहोगे कि मैडम बाकी 5 लोगों के नाम भी बता दो। सुनो, मोहम्मद अमजद साकिब, ये पाकिस्तान से है, इनको मिला था। स्टीवन मुंशी की बात करते हैं, स्टीवन मुंशी जो है ये आपके कहां से बिलोंग करते हैं? स्टीवन मुंशी की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो ये आपके अमेरिका से बिलोंग करते हैं और इनको भी यहां पर दिया गया था। ओके, रॉबर्टो बेलोन की बात करते हैं तो ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं और एक मछुआरे हैं, ठीक है, एक मछुआरे हैं, तो इनको यहाँ पर दिया गया था। और जो पांचवें पर्सन हो जाएंगे, पांचवें जो पर्सन है वो बेसिकली आपके वॉच डॉग उनका नाम है, जो कि एक पर्यावरणविद के रूप में जाने जाते हैं, वॉच डॉग उनका नाम है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, वॉच डॉग है। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये इंडोनेशिया, एक्चुअली एक प्रोडक्शन हाउस है, वॉच डॉग जो है इंडोनेशिया का, क्या है, एक प्रोडक्शन हाउस है, इन्हें दिया गया था। तो ये 5 पर्सन से गाइस, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? वॉच डॉग, हाँ, इंडोनेशिया का क्या है, एक इंडोनेशिया का ही बेसिकली ये एक आपका प्रोडक्शन हाउस है। ओके, सो अब देखो यहाँ से 2-3 चीजें याद रखनी है आप लोगों को रेमन मैक्सेसे से अवार्ड से, कि 2019 में ये किसे दिया था, ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये रवीश कुमार को दिया जाता है। किसको? रवीश कुमार को दिया जाता है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि फर्स्ट इंडियन कौन बने थे जिन्हें रेमन मैक्सेसे से अवार्ड दिया था, पहले भारतीय इस अवार्ड को पाने वाले, तो आप क्या कहोगे? आचार्य विनोबा भावे हैं। कौन है? आचार्य विनोबा भावे हैं। तो नोट करो भाई, यहाँ पर आचार्य विनोबा भावे को दिया गया था। और कब दिया जाता है? 1958 में दिया जाता है। फर्स्ट वुमेन पूछा जाए तो ये फर्स्ट जो वुमेन रही थी, दैट इज मदर टेरेसा, और इन्हें 1962 के अंदर दिया गया था, ठीक है। फर्स्ट वुमेन पूछा जाए तो मदर टेरेसा आपका आंसर है, जो कि 1962 के अंदर दिया गया था। अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट सुनो, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा घोषित किया गया है कि नीट के उम्मीदवार को आरक्षण नहीं दिया जाएगा? नीट नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, जो एमबीबीएस वगैरह के जो एग्जाम्स होते हैं उनके लिए कंडक्ट किया जाता है ना, एमबीबीएस के एग्जाम्स जो आप लोगों ने मतलब किसी ने दिया हो तो, अगर तो एमबीबीएस की या बीडीएस के जो एग्जाम्स होते हैं उनके लिए कंडक्ट किया जाता है, नीट का जो एग्जाम होता है। तो अब यहाँ पर एक फैसला लिया गया है, और फैसला क्या लिया गया है कि इसके लिए अब आरक्षण जो मिलता था वो खत्म कर दिया गया। तो क्या मैम ये सबके लिए खत्म कर दिया गया? नहीं, जो एनआरआई पर्संस होते हैं उनके लिए खत्म कर दिया गया है, ठीक है। और इसका जो अनाउंसमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कहा है। उन्होंने क्या कहा? एनआरआई समझो क्या होता है, कोई भी पर्सन जो 6 महीने से ज्यादा किसी दूसरे देश में जाकर रहता है, सिटीजनशिप तो इंडिया की है लेकिन किसी दूसरे देश में जाकर रहता है, या फिर ये मान के चलो कि साल में 60 दिन जो है, 60 दिन वो इंडिया में रहता है, या 4 साल में 365 डेज इंडिया में रहता है, तो उसको एनआरआई ही बोला जाता है। तो जो एनआरआई है, मान लो वो दूसरे देश में जाकर बस गई है, लेकिन उनके बच्चे जो एमबीबीएस करना चाहते हैं तो उन्होंने सोचा कि चलो भाई ठीक है इंडिया चलते हैं, वहाँ पर हमारे पास में क्या है, हमारे पास में कोटा है। किसका है? एससी का, एसटी का, या फिर ओबीसी का, हमारे पास में कोटा है, तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें रिजर्वेशन मिल जाएगा। लेकिन जब वो इंडिया आएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि भैया अब जो रिजर्वेशन है उसे क्या कर दिया गया, उसे खत्म कर दिया गया है, क्योंकि ये बैकवर्ड क्लासेस के लिए होता है। अब भाई एनआरआई है, मान लो बाहर विदेश में रह रहे हैं, अच्छा खासा कमा रहे हैं, तो वो बैकवर्ड क्लासेस में थोड़े ना काउंट किए जाएंगे। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि अब इन्हें रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, जो कि कितने परसेंट दिया जाता था? देखो एससी को जो रिजर्वेशन दिया जाता था वो 15% था, और एसटी को जो रिजर्वेशन दिया जाता था वो 7.5% था, और ओबीसी को जो रिजर्वेशन यहाँ पर दिया जाता था वो कितना था? 27% था, है ना। और ये जो रिजर्वेशन है अब इसको कंप्लीटली एनआरआई के लिए क्या कर दिया गया है? खत्म कर दिया गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? हां जी हाँ। लेकिन अभी इस चीज को लेकर कि कोई मतलब फैसला नहीं सुनाया गया है, अभी ये चर्चा का विषय बना हुआ है एट प्रेजेंट में, अभी ये चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि एक स्टेट ने जो है इसको लेकर ऑब्जेक्शन भी उठाया है, वो भी केरला ने, केरला ने इस चीज़ को लेकर के ऑब्जेक्शन भी उठाया कि भाई ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आगे चलकर देखते हैं कि सिचुएशन क्या होती है। फिलहाल के लिए आवाज़ उठाई जा रही है कि भाई इसको जो है ना अब बंद करना चाहिए, क्योंकि ये बैकवर्ड क्लासेस के लिए होता है, और जो एनआरआई होते हैं वो बैकवर्ड क्लासेस में नहीं आते, वो विदेशों में खूब पैसा कमाते हैं, तो वो बैकवर्ड क्लासेस में क्यों आते हैं? और
उनको यहाँ से हटाया जाना चाहिए, ठीक है। एजुकेशन होगा नहीं होगा, हेल्थ मिनिस्टर होगा, क्योंकि देखो जो नीट का एग्जाम होता है वो एमबीबीएस के लिए कंडक्ट किया जाता है, और एमबीबीएस जो होता है वो डॉक्टर्स की पढ़ाई होती है ना, तो ये किससे रिलेटेड हो गया, डॉक्टर्स हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड हो गए ना, तो इसीलिए जो डिसीजन है वो हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा लिया गया है। और जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है वो कौन हो जाएंगे, मनसुख मंडाविया जी आपके हेल्थ मिनिस्टर हो जाएंगे, ठीक है। चलो भाई अब जरा जानते हैं इसी से रिलेटेड और कौन कौन सी न्यूज है जो कि, और कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। सुनो, ट्रांसजेंडर्स के लिए 1% रिजर्वेशन देने वाला पहला ऐसा स्टेट बना था जिसने ट्रांसजेंडर्स को क्या किया था, 1% का रिजर्वेशन दिया था। तो ये जो स्टेट बना था आपका कौन सा बना था, कर्नाटका बना था, ठीक है। आगे सुनो, ट्रांसजेंडर्स के लिए पुलिस में वैकेंसी देने वाला जो पहला स्टेट बना था वो ओडिशा बना था, और इसने यहाँ पर 721 वैकेंसीज निकाली थी जिसमें कुछ वैकेंसीज एसआई की थी तो कुछ यहाँ पर कांस्टेबल की थी। क्या एनआरआई को वोट देने का अधिकार होता है, इस क्वेश्चन का आंसर तुम लोग बताओगे मुझे फटाक से, क्या जो एनआरआई होते हैं क्या उनको हमारे देश के अंदर वोट देने का अधिकार होता है, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट सुनो, तब तक जो 89वां अमेंडमेंट एक्ट 2003 लाया गया था उसके अंदर क्या बताया गया है, उसके अंदर एससी के बारे में बताया गया है, आर्टिकल 338 है जो कि, ठीक है, और एसटी के बारे में भी बताया गया है, जो भी आर्टिकल एसटी से रिलेटेड दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो है 89वां अमेंडमेंट एक्ट 2003 एससी और एसटी के बारे में बताता है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए 102वां जो अमेंडमेंट एक्ट 2018 है ये किसके बारे में बताता है, 2018 की बात करते हैं, तो इसमें ये बताया गया है कि जो ओबीसी है, ओबीसी जो कैटेगरी है उसी के अंदर एक सब कैटेगरी भी बनाई जानी चाहिए, तो उसके लिए एक नया आर्टिकल यहां पर बनाया गया था, वो जो आर्टिकल था दैट इज 338A आर्टिकल यहां पर बनाया गया था इसके अंदर ही, ठीक है। नॉट श्योर मैम, नो मैम, यस मैम, इतना ज्यादा कंफ्यूजन, ज्यादातर आंसर नो आ रहे हैं। सुनो, जो एनआरआई होते हैं उन्हें वोट देने का अधिकार होता है, क्योंकि सिटीजनशिप तो यहाँ की है उनके पास में, सिटीजनशिप तो यहाँ है, वहां तो वो वोट दे नहीं सकते, यहीं पर तो वोट देंगे ना, तो आंसर आपका यहाँ पर यस होगा, ठीक है। चलो, 103वां जो अमेंडमेंट एक्ट 2019 है, 2019 ये क्या कहता है, ये कहता है एक जो सब कैटेगरी, एक जो कैटेगरी नई बनाई गई थी, कौन सी, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की, यानी कि ईडब्ल्यूएस की जो कैटेगरी बनाई गई थी, ये कैटेगरी 2019 में ही बनाई जाती है, और इसके अंदर जो रिजर्वेशन दिया जाता है ये कितना दिया जाता है, तो याद रखना इसके अंदर 10% का रिजर्वेशन दिया जाता है। मेरा सही हुआ मतलब, हाँ, खुशियां मनाओ, बिल्कुल सही है, यस आपका सही आंसर होगा, एनआरआई जो है वो वोट दे सकते हैं कहां पर, इंडिया के अंदर आके, ठीक है। चलो, इतनी चीजें क्लियर है सबको, आगे बढ़ लिया जाए, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, यहां पर अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। मैम हम यस बोले थे, जो यस बोले थे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। गाइस प्लीज एक बार से सेशन को लाइक एंड शेयर कर दो, 500 का टारगेट है, तो प्लीज सारे बच्चे सेशन को लाइक एंड शेयर कर दो, कितनी कंजूसी करते हो कसम से, याद दिलाना पड़ता है बस इतना ही यार, हाँ। चलो अच्छा, आगे सुनो, लद्दाख ने हाल ही में एक स्टेट एनिमल अपना अनाउंस कर दिया कि ये हमारा स्टेट एनिमल होगा, ये डिक्लेयर कर दिया है, तो कौन सा वो स्टेट एनिमल है जो डिक्लेयर किया है लद्दाख ने, ये आपको बताना है, टाइगर को, स्नो लेपर्ड को, ब्लैक बक को, या फिर बारासिंगा को, किस को, किस एनिमल को, स्नो लैपर्ड को, अरे बाप रे बाप, क्या बात है, मेरे बच्चे बड़े होशियार हो गए हैं, बिल्कुल सही है, स्नो लैपर्ड जो है यहाँ पर हिम तेंदुआ यानी कि, तो इसे स्टेट एनिमल का दर्जा दे दिया गया है, अभी तक यहाँ पर कोई स्टेट एनिमल नहीं था, जब से इनको अलग किया गया था जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जब से यूटी बनाया था, तो तब से यहाँ पर स्टेट एनिमल जो है वो अभी डिक्लेयर किया है। अच्छा मैम, ये तो स्टेट एनिमल हो गया, अगर स्टेट बर्ड पूछा जाए तो क्या आंसर करोगे, अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर जो स्टेट बर्ड बनाया गया है वो कौन सा बनाया गया है, तो आपका आंसर क्या होगा, ब्लैक नेक्ड क्रेन है, क्या है, ब्लैक नेक्ड क्रेन, ठीक है, ये एक पक्षी का नाम है, एक पक्षी है जो कि लद्दाख के अंदर स्टेट बर्ड डिक्लेयर कर दिया गया है, तो ये दो नाम याद रखेगा, पेपर में जरूर से छप सकते हैं क्योंकि अभी डिक्लेयर किया है, तो ये लेटेस्ट क्वेश्चन है आपका, लेटेस्ट न्यूज है, तो प्लीज ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। किसने डिक्लेयर किया है इसको, तो इसे डिक्लेयर किया गया है बेसिकली आपका, इसके द्वारा, लद्दाख के द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया है। अच्छा, लद्दाख को यूटी कब बनाया जाता है, 31st of October 2019 को इसे यूटी का दर्जा दिया गया था। अब जम्मू कश्मीर पे अगर आते हैं हम, तो जम्मू कश्मीर का जो स्टेट एनिमल हो जाएगा वो क्या है, देखो जम्मू कश्मीर में पहले स्टेट एनिमल हुआ करता था आपका ब्लैक बग,
लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया था, तो एट प्रेजेंट में कुछ ऐसा डिक्लेयर नहीं किया गया है कि जो नया वाला स्टेट, हाँ काली गर्दन वाला, हाँ अगर अभी कोई डिक्लेयर नहीं किया गया कि इसका जो स्टेट एनिमल है वो क्या हो जाएगा जम्मू कश्मीर का, स्टेट बर्ड भी यहाँ पर कोई अनाउंस नहीं किया है, यानी कि जम्मू कश्मीर से रिलेटेड पूछा जाए तो ना तो स्टेट एनिमल अभी कोई डिक्लेयर हुआ है ठीक से, पहले काला हिरण था अब इसे हटा दिया गया है, ना ही स्टेट बर्ड यहाँ पर कोई डिक्लेयर किया हुआ है कहाँ पर, जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें दोनों से रिलेटेड आपको याद रखनी है। क्वेश्चन समझ में आया, आगे फैक्ट्स पर बढ़ा जाए। चलो अच्छा सुनो, अब जरा देखते हैं क्या क्या फैक्ट्स हैं जो यहाँ पर आपसे पूछे जा सकते हैं। ये स्नो लैपर्ड हो गया भाई, देख रहे हो खतरनाक, हाँ खतरनाक, और यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये बर्ड है जो कि स्टेट बर्ड डिक्लेयर किया गया है, ब्लैक नेक्ड क्रेन है कि नहीं, ब्लैक गर्दन वाले, हाँ ओके चलो अच्छा सुनो, अब नेक्स्ट बात करते हैं। मैम स्लो पढ़ाइए, और कितना स्लो पढ़ाएं यार, तुम्हें पता है मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में पढ़ाने की मुझे आदत हुआ करती थी एक टाइम पर, तुम्हारे कहते कहने से थोड़ा सा मैंने स्लो किया है, अब इससे ज़्यादा कितना स्लो करें। जम्मू कश्मीर का मैं बता चुकी हूँ कि पहले काला हिरण हुआ करता था, लेकिन अब करण हिरण यानी कि ब्लैक बग वही था जो सलमान खान ने मारा था, बेचारे आज तक फंसे हुए इस चक्कर में, ठीक है। और स्टेट बर्ड यहाँ पर अभी तक कुछ अनाउंस नहीं किया गया है, नोट अनाउंस्ड, ठीक है। आगे सुनो, स्नो लैपर्ड के नाम से एक पर्वतारोही को जाना जाता है, अगर आपसे पूछा जाए कौन से ये पर्वतारोही थे जिन्हें जाना जाता है, तो आंसर क्या करोगे, अरे यार ये तो तुमसे पूछना था मुझे, आंगरीता शेरपा। आंगरीता शेरपा जो है ये नेपाल से बिलोंग करती हैं, और इन्होंने 10 बार बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, जिसके लिए इनका जो नाम है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में दर्ज भी हुआ था, और अभी कुछ समय पहले इनका देहांत हो गया है, इनकी डेथ हो गई थी, तो ये न्यूज़ में थी आंगरीता शेरपा, ठीक है। हाईएस्ट मूवी थिएटर ये कहाँ पर बनाया गया है, देखो भाई हाईएस्ट मूवी थिएटर अभी लद्दाख के अंदर बनाया गया है, ठीक है ना, और इसका जो उद्घाटन किया गया था वो किसके द्वारा, आप सभी के फेवरेट पंकज त्रिपाठी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया था। अगर आपसे पूछा जाए कितनी ऊंचाई पर ये बनाया गया है, तो याद रखिएगा 11,562 फीट की ऊंचाई पर बनाया है, जो कि एक मोबाइल डिजिटल थिएटर है, ठीक है, 11,562 फीट की ऊंचाई पर बनाया है, पंकज त्रिपाठी ने इसका उद्घाटन किया था, एक प्रकार से ये मोबाइल मूवी थिएटर रहेगा, डिजिटल रहेगा, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। देश के फर्स्ट हिमालयन फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी कौन करेगा, तो ये भी कौन करेगा, लद्दाख, और ये जो होने वाले हैं वो नवंबर 2021 के अंदर ही आयोजित किए जाएंगे। सबसे ऊंची सड़क जो कि किसने बनाई थी, बीआरओ के द्वारा बनाई गई थी, और ये कितनी ऊंचाई पर स्थित है, अगर आपसे पूछा जाए तो 11,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अच्छा तो मैम कौन से दर्रे पे बनाया है, अब इतनी ऊंचाई पर बनाया है तो कोई जगह भी होगी, तो ये दर्रे के ऊपर बनाई जा रही है, उस दर्रे का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो उमलिंगला दर्रा होगा सही आंसर, कौन सा, उमलिंगला दर्रा, ओके, जिसके ऊपर बनाई जा रही है। इतनी चीजें क्लियर है भाई सबको, लद्दाख से रिलेटेड घुमा दिए तुमको पूरा लद्दाख, हाँ पूरा लद्दाख घुमा दिए, क्या क्या चीजें यहाँ पर चल रही है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। 18,300 दीपक शर्मा, बेटा तुमने तो सीधा 10,000 बढ़ा दिया, 11,300 फिट है, ध्यान से हाँ 11,300 फिट है, ये कमाल करते हैं कमाल। चलो आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड 19,300, एक सेकेंड सॉरी, हाँ यार यहाँ पे गड़बड़ हो गई है कुछ, 19,300 है ना ये, सॉरी, हाँ यार सही बता रहे थे, हाँ वो ऊपर वाले को लेकर के थोड़ा कन्फ्यूज, यहाँ 11 लिखा तो वो गलती से मैंने इधर 11 ही लिख दिया, हाँ ठीक है 19,300 फिट है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। चलो अब जरा आगे देखते हैं क्या होगा नेक्स्ट सुनो, लद्दाख ने किस वर्ष तक खुद को ऑर्गेनिक स्टेट बनाने के लिए यहाँ पर अनाउंसमेंट किया है, तो देखो लद्दाख ने क्या बनाना चाह रहा है, खुद को ऑर्गेनिक स्टेट बनाना चाह रहा है, और इसके लिए 2025 तक का लक्ष्य रखा है, और किसके साथ में मिलकर ये किया जाएगा, सिक्किम के साथ में मिलकर किया जाएगा, क्योंकि सिक्किम जो है वो पहला ऐसा स्टेट बना है खुद को कम्प्लीटली ऑर्गेनिक फार्मिंग में कन्वर्ट करने वाला। पानी माह, ये अगस्त जो मंथ है उसको पानी माह के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है, और किसके द्वारा, लद्दाख के द्वारा सेलिब्रेट किया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स ने क्या किया है, एक हाईएस्ट मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर है जो कि लगाया था, तो आपसे पूछा जाएगा कि ये क्यों लगाया गया था, किसके द्वारा लगाया था और कहां लगाया था, लद्दाख में लगाया था, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा लगाया गया था, और इसका जो पर्पस था वो ये था कि जितने भी ऊपर से विमान गुजरते हैं, जो भी एयर ट्रैफिक जो होता है या फिर इंडियन एयरफोर्स के विमान को सामान लेने के लिए एक जगह से जब दूसरी जगह भेजा जाता है तो उसको कंट्रोल किया जा सके नीचे से ही, ठीक है, और ये सारा कंट्रोल मोबाइल से ही किया जा सकेगा, तो ये लद्दाख के अंदर ही किया गया था इंडियन एयरफोर्स के द्वारा।
सिंधु यूनिवर्सिटी लद्दाख के अंदर बनाई गई है और इसका नाम पूछा जाएगा। जो यूनिवर्सिटी है इसका नाम किसके नाम पे रखा गया, सिंधु नदी के नाम पे रखा गया है। यहाँ के चीफ जस्टिस अगर आपसे पूछा जाए तो देखो लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों हाईकोर्ट्स के जो चीफ जस्टिस बनाए, ज्वाइंट हाईकोर्ट है ना, नाम भी चेंज कर दिया था जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट, और इसके जो चीफ जस्टिस बनाए जाते हैं वो किन्हें बनाया था, पंकज त्रिपाठी नहीं है, ठीक है, पंकज मित्तल को बनाया गया था, पंकज मित्तल को बनाया जाता है। हाँ भाई समझ आया, आर के माथुर, बिल्कुल यहाँ पर आपके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हो जाएंगे, दैट इज आर के माथुर लेफ्टिनेंट गवर्नर है कहाँ के, लद्दाख के। हिंदी में पढ़ाओ मैम, तो यार का उर्दू बोल रहे हैं हम, हिंदी ही तो बोल रहे हैं, हाँ कमाल करते हो तुम भी यार। चलो आगे बढ़ लेते हैं जरा और देखते हैं अगली न्यूज़ क्या है आपके। सुनो अगली न्यूज़, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है, सबसे ज्यादा इंटरनेशनल गोल करने वाले फुटबॉलर कौन बन गए हैं। अरे वाह, एक और जबरदस्त न्यूज आई है फुटबॉल से रिलेटेड कि जो इंटरनेशनल गोल करने वाले, सबसे ज्यादा इंटरनेशनल गोल करने वाले जो नए फुटबॉलर निकल कर आए हैं ये कौन से हो जाएंगे भाई। तो आंसर बताओ फटाक से, इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। देखो अली डे का नाम आप सभी ने सुना होगा, अली डे का नाम जो कि अब एक्टिव नहीं है, पहले खेला करते थे और शायद 2006 में इन्होंने लास्ट टाइम खेला था, उसके बाद से इन्होंने खेलना छोड़ दिया था, तो अब ये एक्टिव नहीं है। तो सबसे ज़्यादा जो गोल थे वो इन्हीं के नाम पे था, 109, और उसका जो उसके बाद अगर एक्टिव खिलाड़ियों में देखा जाए तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम पे सबसे ज़्यादा गोल्स थे और इन्होंने कितने, 103 गोल किए थे। लेकिन अब कौन बन गए हैं सबसे ज़्यादा गोल करने वाले, तो अब आपके वही बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही। बताओ जल्दी से ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, पहले इनके नाम पे 103 गोल थे और अब जो है ये बढ़ा करके कितने, 111 गोल कर दिए इन्होंने, 111 गोल करके ये सबसे ज्यादा गोल। अब तो यानी कि इन्होंने अली डे को भी पीछे छोड़ दिया है। अब यहां पर आपसे अगर पूछा जाए कि मैडम सुनील छेत्री इसमें कहां पर है, तो देखो सुनील छेत्री ने जो है कितने गोल किए थे, 74 गोल किए थे, और 74 गोल करके इन्होंने किसको पीछे छोड़ दिया था, लियोनल मैसी को पीछे छोड़ा था। लियोनल मैसी के नाम पर कितने, 72 गोल्स थे यहां पर, कितने, 72 गोल्स थे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं और इनसे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि पहले ये किस पार्टी से खेलते थे और इन्होंने अब अपनी पार्टी चेंज कर ली है, तो अब ये टीम, सॉरी किस टीम से खेलते थे, तो याद रखिएगा ये पहले जो इटली की टीम हुआ करती थी आपकी, उसका नाम क्या था, युगेंटस करके नाम था ना, तो उस टीम से खेला करते थे, लेकिन बाद में इन्होंने अपनी टीम चेंज कर ली और अब ये जो है इंग्लैंड की टीम से खेलते हैं। हाँ लियोनल मैसी ने भी टीम चेंज करी थी, ये पहले बार्सिलोना की तरफ से खेलते थे, है ना। लियोनल मैसी की बात करेंगे तो ये पहले बार्सिलोना की तरफ से खेलते थे और फिर बाद में इन्होंने भी अपनी जो टीम है उसको चेंज कर लिया था, पेरिस सेंट जर्मन पीसीजी की तरफ से खेलते हैं। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो इंग्लैंड में मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब ज्वाइन किया है इन्होंने, वहां से खेलते हैं। पहले इटली की जो टीम थी युवेंटस उसका नाम था, क्या नाम था, युवेंटस, इटली की टीम, यहां से पहले खेलते थे। अब इंग्लैंड की टीम से खेलते हैं, नाम पूछा जाए तो क्या होगा, मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब है, मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब से खेलते हैं इंग्लैंड से। इतनी चीजें क्लियर है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल से, बिल्कुल ये। सो 111 गोल करके भाई इन्होंने अपने देश का नाम रोशन कर दिया है, और ये देखो वाओ क्या बात है, खुशी देखो, खुशी देखो, मतलब भाई साहब खुशी जबरदस्त यहाँ पर जाहिर हो रही है। तो चलिए एक बार से और जरा नजर मार लेते हैं अली डे के नाम पे, 109 गोल्स थे यहाँ पर। मुख्तार धारी अब एक्टिव नहीं है, 89 गोल्स थे। आपको सिर्फ सुनील छेत्री का नाम याद रखना है, ठीक है, और जो हमारे यहाँ पर थे 74 गोल थे, और हमारे जो थे, सॉरी हमारे ही तो है ये, लियोनल मैसी यार, और लियोनल मैसी का नाम याद रखना है क्योंकि ये एक्टिव है, तो ये इन्होंने जो है 72 गोल्स यहाँ पर किए थे, ठीक है, इनके 72 गोल्स ही हैं अभी तक भी। हाँ 18 मैच में 111 गोल, बिल्कुल। पिंकी मैडम के शिष्य भावनाओं में डूबते जा रहे, क्यों मेरा नाम डुबा रहे हो तुम, हाँ क्यों मेरा नाम डुबा रहे हो यार। सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड गाइस प्लीज मैं एक बार फिर से आपको याद दिला रही हूँ, हमारा जो टारगेट है वो 500 लाइक्स का है, तो प्लीज सेशन को लाइक एंड शेयर करते हुए चले, ठीक है, जितना वॉचिंग चल रहा है एटलीस्ट उतना बिना किसी कंजूसी के सेशन को शेयर कर दो। कितने स्टेट है, किसमें स्टेट है भाई, किस 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 स्टेट की बात कर रहे हो तुम। चलो आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस आपसे फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं। यूरो कप की बात करते हैं तो ये किसने जीता था, इटली ने जीता था। अच्छा किसको हरा करके जीता था, तो याद रखिएगा ये जो है इटली ने इंग्लैंड को हरा करके जीता था, और ये मैच कहां पर हो रहा था, इंग्लैंड के अंदर ही। यूरो कप, कोपा अमेरिका, कोपा अमेरिका फुटबॉल से ही रिलेटेड है, और अगर आपसे पूछा जाए किसने जीता था, तो ये जो कोपा अमेरिका जो है ये किसके द्वारा जीता गया था, ये तुम लोग बताओ, चलो फटाक से बताओ, कोपा
कोपा अमेरिका किसने जीता था। तब तक हम बात करते हैं जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 होने वाले हैं, ये कतर में होने वाले हैं, कतर के दोहा में इन्हें आयोजित किया जाएगा, ठीक है। और वर्ल्ड कप जो होंगे हमारे 2023 वर्ल्ड कप जो होने वाले हैं क्रिकेट के, वो कहां पर होने वाले हैं, तो इंडिया के अंदर, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है, अर्जेंटीना ने जीता था, और किसको, ब्राजील को हरा करके। अर्जेंटीना ने जीता था किसको हराकर, ब्राजील को हराकर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। हेडक्वार्टर पूछा जाए किसका, फीफा का हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछा जाए तो ये कहां पर हो जाएगा, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड के अंदर मिलता है इसका हेडक्वार्टर फीफा। इसके जो प्रेसिडेंट है एट प्रेजेंट में, ये कौन हो जाएंगे, गियानी इन्फेंटिनो है जो कि यहां पर आपके प्रेसिडेंट है। कौन, गियानी इन्फेंटिनो, ओके, इज द प्रेसिडेंट ऑफ फीफा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? लाइक शेयर कहाँ से होगा मैम? बेटा ये जो ना सिर्फ यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स के लिए लाइक शेयर वाले फैसिलिटी, और किसी के लिए नहीं है, सिर्फ यूट्यूब वाले बच्चों को करना है, ठीक है। मैम इंस्टाग्राम आईडी बता दो यार, कब सुधरोगे तुम लोग। हाँ चलो, पिंकी सरोहा के नाम से अगले क्वेश्चन पे आओ, देखो क्या है। हाल ही में किस बैंक ने यूएई, बांग्लादेश और उरुग्वे को नए सदस्य के रूप में मंजूरी दी है? तो यहाँ पर जो अब इतना तो समझ में आ रहा है कि जो बैंक है इसके अंदर कुछ मेंबर कंट्रीज भी होंगी, तभी तो यहाँ पर नई कंट्रीज को ऐड किए जाने की बात चल रही है। हाँ तो मैंने क्या बताया, फीफा 2022 वाला कतर ही लिखा है, पिंकी मैडम के शिष्य, और क्या लिखा है मैंने, यही लिखा है, ठीक है। सुनो, एक बैंक है जिसने क्या किया है, जो मेंबर कंट्रीज हैं उनकी संख्या बढ़ा दी है, ठीक है। तो ये बैंक आपका कौन सा हो जाएगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक। अगर आपसे पूछा जाए ये बैंक मैम कौन सा बैंक है, कहाँ काम करता है, तो जो आपने ब्रिक्स के बारे में सुना होगा, ब्रिक्स जिसके अंदर कितने मेंबर कंट्रीज है, 5 मेंबर कंट्रीज हैं ब्रिक्स के अंदर, और जो ब्रिक्स है इन्हीं मेंबर कंट्रीज के द्वारा इस न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की जाती है, और कब की जाती है, 2015 के अंदर ये स्थापना की गई थी। तो अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो ब्रिक्स के अंदर अभी बैठक हुई थी भाई, इसकी कुछ समय पहले इसकी मीटिंग हुई थी, तो यहाँ पर ये बोला जा रहा था कि जितने भी यहाँ पर मतलब हमारे जो कंट्रीज हैं, हमें इसका विस्तार बढ़ाना चाहिए, और इसके लिए विस्तार योजना भी लाई गई थी, और ये भी कहा जा रहा था, उद्योग मंत्रियों की बैठक भी हुई थी जिसकी अध्यक्षता हमारे जो पीयूष गोयल जी हैं उन्होंने की थी कुछ समय पहले। तो उस अध्यक्षता में पीयूष गोयल जी के द्वारा भी बोला गया था कि हमें क्या करना चाहिए, कंट्रीज का विस्तार करना चाहिए, ताकि एक मतलब परिवर्तन लाया जा सके, एक सामाजिक परिवर्तन की यहाँ पर बात चल रही, सामाजिक ढांचे को और मजबूत किया जा सके, और संसाधनों का उपयोग किया जा सके, संसाधनों का उपयोग करके रिसोर्सेज का। तो अगर नई नई कंट्रीज थोड़ी सी और ऐड होंगी तो रिसोर्सेज वगैरह हमें भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो रिसोर्सेज के लिए ही यहाँ पर नई कंट्रीज को और ऐड किया जा रहा है। आपसे पूछा जाएगा ब्रिक्स के अंदर कौन सी 3 कंट्रीज और ऐड, ब्रिक्स के अंदर नहीं हो रही, ब्रिक्स का जो बैंक है इसमें है ना, मतलब ब्रिक्स के जो बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, यहाँ पर 3 और नए सदस्य देशों को शामिल किया जा रहा है, और ये कौन से हो जाएंगे, यूएई है, बांग्लादेश है और उरुग्वे, ये 3 नई ऐसी कंट्रीज हैं जिन्हें यहाँ पर शामिल किया जा रहा है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के अंदर इन्हें शामिल किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की यहाँ पर मीटिंग हुई थी जिसमें सदस्य बढ़ाए जाने के लिए विस्तार योजना स्टार्ट की गई थी, तो ये जो मीटिंग होती है वो 2020 में हुई थी, लास्ट ईयर 2020 में हुई थी, और उसी के अंदर ये अनाउंस किया गया था कि हमें अपने सदस्यों की संख्या बढ़ानी चाहिए, ठीक है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए तो 3 और देश हैं यहाँ पर जो कि फाइनली ऐड हो चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है सबको, बस इतना ही पूछा जाएगा और कुछ नहीं आने वाला यहाँ से, ये 1-liner क्वेश्चन है आपका, बस इतना ही कि कौन सी नई कंट्रीज ऐड हो रही है, बैठक कब हुई थी, 2020 में हुई थी, और उद्योग मंत्रियों की भी एक बैठक होती है जिसके अंदर हमारे पीयूष गोयल जी हैं जिन्होंने अध्यक्षता की थी, तो इन्होंने भी बोला था कि सामाजिक ढांचे को मजबूत करना है तो हमें थोड़ा सा विस्तार और बढ़ाना चाहिए, ठीक है। चलो अच्छा, आगे सुनो और देखो भाई यहाँ से क्या क्या पॉइंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सुनो, न्यू डेवलपमेंट बैंक, अरे यार यहाँ पर तो आंसर भी लिखे हुए हैं गलती से। चलो अच्छा सुनो, अगर आपसे पूछा जाए कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर मिलता है, तो चाइना के जो शंघाई है वहां पर इसका हेडक्वार्टर मिलता है। प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगे न्यू डेवलपमेंट बैंक के, तो मैक्रोस प्राडो ट्राजो है जो कि यहाँ पर आपके प्रेसिडेंट हो जाएंगे। फाउंडर कौन है, तो भैया फाउंडर तो ब्रिक्स है, ब्रिक्स के द्वारा ही तो फाउंड किया गया था इस बैंक को। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक अगर आपसे पूछा जाए तो 15 जुलाई 2014 में जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है, ठीक है। और ये जो बैंक है ब्रिक्स देशों का बैंक है।
गाइज एक बार ना इसके अंदर थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, 2014 है या 2015 है, एक बार से इसको कंफर्म करना है, ठीक है? मुझे एक बार लास्ट में याद दिलाना तो मैं आपको कंफर्म करके बता दूं। यहाँ पर थोड़ा सा डाउटफुल है कि 2014 में हुई थी 2015 में हुई थी। ओके, तो एक बार से इसको कंफर्म करना है, तो ये वाला पॉइंट आप एक बार छोड़ दीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट सुनो। ब्रिक्स के अलावा देखो और एसईओ के बारे में पूछा जा सकता है आपसे, है ना, सार्क के बारे में पूछा जाता है, बिमस्टेक के बारे में पूछा जाता है। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऐसी होती जहां से पेपर में क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो सुनो अब, शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो चाइना के बीजिंग में मिलेगा आपको इसका हेडक्वार्टर, ठीक है? किसका? एससीओ का। और इसकी जो स्थापना है वो कब की जाती है? 2001 के अंदर इसकी स्थापना की जाती है। इसके अंदर टोटल मेंबर कंट्रीज कितनी है? 2015 है। अच्छा, सारे बच्चे 2015 बोले, हाँ मुझे भी 2015 ही लग रहा था, इसलिए मैंने पीछे बताया भी था, लेकिन यहाँ मैंने 2014 देखा तो मुझे भी डाउट हुआ थोड़ा सा कि एक बार से कंफर्म कर लीजिएगा इसको। आगे सुनो, टोटल मेंबर ऑफ कंट्रीज पूछा जाए तो यहाँ पर 8 मेंबर कंट्रीज आते हैं इसके अंदर, और इसके जो सेक्रेटरी जनरल हो जाएंगे वो कौन है? यहाँ पर व्लामिदिर नोरोव है। कौन है? व्लामिदिर नोरोव, व्लामिदिर नोरोव हैं जो कि यहाँ पर सेक्रेटरी जनरल हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, आगे आपसे पूछा जा सकता है यहाँ से किसके बारे में? बिम्स्टेक के बारे में, कि जो बिम्स्टेक है इसकी स्थापना कब की जाती है? तो 1997 में तो इसकी स्थापना होती है, कब? 1997 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये आपको नेपाल की कैपिटल ढाका में मिलता है, सॉरी बांग्लादेश के कैपिटल ढाका में मिलता है इसका हेडक्वार्टर, किसका? बिम्स्टेक का। टोटल मेंबर कंट्रीज अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर 7 मेंबर कंट्रीज आती है, बे ऑफ बंगाल के आसपास की जितनी भी कंट्रीज हैं, 7 कंट्रीज वो इसके क्या है? मेंबर कंट्रीज है। अच्छा, लैंग्वेज अगर पूछा जाए कि बिम्स्टेक के अंदर यहाँ पर जो ऑफिशियल लैंग्वेज जो यूज की जाती है वो कौन सी है? इंग्लिश। यहाँ के जो सेक्रेटरी जनरल हो जाएंगे दैट इज तेनजिन लेखपाल, जिन्हें कि अभी थोड़े दिन पहले ही अपॉइंट किया गया था, है ना, जो कि हमने पढ़ा भी था कुछ समय पहले ही, इनका अपॉइंटमेंट यहाँ पर हुआ है। बिल्कुल सही आपका आंसर है यहाँ पर। अच्छा, गठन 2014 में, प्रभावी 2015 में हुआ था, तो जिस हिसाब से पूछा जाए वो बता दीजिएगा। दोनों सही है, यानी कि आपका प्रभावी कब हुआ था यही पूछा जाता है, इसीलिए 2015 मैंने बताया था, तो वही याद रखना आपको 2015 में, क्योंकि कोई भी चीज़ जब एक्टिव हो जाती है तभी वो काम करना उसे तब शुरू किया था जब वो एक्टिव हो गई थी, ठीक है? तो वही वाला इंपॉर्टेंट रहता है। सार्क की बात करते हैं भाई, साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन की बात करते हैं, तो ये एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था सार्क के बारे में, और यहाँ पर कुछ मेंबर्स दिए गए थे आपसे, पूछा गया था कि इसमें से कौन सा मेंबर है जो कि इसका पार्ट नहीं है, तो इसके टोटल मेंबर्स याद रखना 8 इसके अंदर टोटल मेंबर कंट्रीज होती है, कितनी? 8 इसके अंदर टोटल मेंबर कंट्रीज है सार्क की। और यहाँ पर जो ऑफिशियल लैंग्वेज यूज की जाती है वो इंग्लिश यूज की जाती है, कौन सी? इंग्लिश यूज की जाती है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर मिलेगा? नेपाल की कैपिटल काठमांडू के अंदर इसका हेडक्वार्टर आपको मिलता है, और इसके जो सेक्रेटरी जनरल हो जाएंगे ये कौन हो जाएंगे? इसाला रुवान है। कौन है? इसाला रुवान, ये क्या हो जाएंगे? यहाँ पर सेक्रेटरी जनरल हो जाएंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, 8 इसके अंदर मेंबर कंट्रीज होती है, राइट राइट। चलो इतनी चीजें समझ में आई सबको, आगे बढ़ लिया जाए भाई। चलो एक आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, उसके बाद कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस करेंगे उसके बाद हम, ठीक है? सुनो, डिफेंस एक्सपो 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? ये डिफेंस एक्सपो है जो कि हमारे देश में आयोजित की जा रही है, डिफेंस एक्सपो 2022, इसकी अगर बात करते हैं तो ये हर 2 साल में एक बार आयोजित की जाती है, हर 2 साल में एक बार आयोजित की जाती है। तो आप कहोगे कि मैम ये क्यों आयोजित की जाती है, इसका पर्पज क्या है? सुनो, जो पर्पज रखा जा रहा है, मोदी जी ये कह रहे हैं कि डिफेंस के सेक्टर में इंडिया को आत्मनिर्भर बनाना है। जितने भी हथियार होते हैं, जितनी भी मिसाइल्स वगैरह होती है, डिफेंस के सेक्टर में जितनी भी चीज़ें यूज की जाती है, चाहे वो विमान है, हथियार है, मिसाइल्स है, तो उन्हें हम अपने देश में ही बनाए, दूसरे देशों के ऊपर हमें निर्भर ना रहना पड़े, और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे देशों में उन चीज़ों का हम क्या करें? एक्सपोर्ट करें, मतलब दुनिया हमारी चीज़ यूज़ करे, हमें ना किसी से लेना पड़े। तो यहाँ पर मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत मेक इन इंडिया, और एक और दिया गया है मेक फॉर द वर्ल्ड, ये भी बोला गया है मेक फॉर वर्ल्ड, हम दुनिया के लिए बनाएंगे और मेक इन इंडिया इंडिया के अंदर ही बनेगा। इस प्रोजेक्ट के तहत इसे स्टार्ट किया गया है, और ये कहा जा रहा है कि हम जो है आने वाले समय में इसमें क्या बनना चाहते हैं? आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। तो आपसे क्या पूछा जाएगा मैम? एग्जीबिशन भी बता दो, कहाँ पर हो रही है ये? गुजरात करेगा, बिल्कुल सही है। यहाँ पर ये जो एक्सपो एग्जीबिशन होने वाली गुजरात में, गुजरात के अंदर जो साबरमती रिवर फ्रंट है,
साबरमती जो रिवर फ्रंट है वहीं पर इसका एग्जीबिशन किया जाएगा, और यहाँ पर जितने भी विमान वगैरह हैं, जितने भी हथियार वगैरह हैं, उनका एक एग्जीबिशन लगाया जाएगा, वो दिखाया जाएगा, ठीक है, वो दिखाया जाएगा कि हमारे देश ने कितना प्रोग्रेस कर लिया है, कितनी चीज़ें हमारे पास तैयार हो चुकी हैं। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है। मेरा कमेंट शो नहीं हो रहा है क्या राहुल मौर्या? बेटे काहे परेशान हो रहे हो रहे हैं तुम्हारे कमेंट शो, ठीक है। हाँ, नो मर्सी, बिल्कुल सही। अगर आपसे पूछा जाए लास्ट ईयर यानी कि 2020 में हुई थी, तो 2020 वाली ये लास्ट ईयर जो है ये कब आयोजित की गई थी, तो कहाँ पर, तो याद रखिएगा यूपी के लखनऊ से इसका आयोजन किया गया था। लास्ट ईयर कब हुई थी ये? यूपी के लखनऊ के अंदर इसका लास्ट ईयर आयोजन किया गया था, ठीक है। और ये जो है क्या है, एक हाइब्रिड बिजनेस इवेंट है जो कि साबरमती रिवर फ्रंट पर हथियारों और जितने भी डिफेंस प्लेटफॉर्म्स हैं इनके लाइव एग्जीबिशन की यहाँ पर योजना बनाई जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर एक लक्ष्य रखा गया है, और जो लक्ष्य रखा गया है वो क्या है, लक्ष्य ये रखा गया है कि इंडिया क्या चाहता है 2024 तक यहाँ पर $5 बिलियन की रक्षा निर्यात हमें हासिल करना है, यानी कि इतने डिफेंस के जो उपकरण होंगे, जितने भी हथियार हो गए, विमान हो गए, मिसाइल्स वगैरह, जितने भी ये डिफेंस की चीज़ें होंगी, ये हमें $5 बिलियन जो है वो क्या करने हैं, हासिल करिए, लक्ष्य हासिल करना है, और फिर हम इनका क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे दूसरे देशों के अंदर, इसे क्या किया जाएगा, एक्सपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। तो भाई ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। अभी जाना नहीं है किसी को भी, क्योंकि अभी मैं आपको कराने जा रही हूँ स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के हैं, इसके बारे में डिटेल से बताएं यार, और कितनी डिटेल बताएं, कमाल है, और कितनी तुम डिटेल जानना चाहते हो। हाँ, 2024 तक का लक्ष्य रखा है इंडिया ने कि आत्मनिर्भर बनना है डिफेंस के सेक्टर में हमें, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलो अब स्टार्टिंग जीके के क्वेश्चंस में स्टार्ट करने जा रही हूँ। फटाक से सेशन को लाइक एंड शेयर कर दो कि यस मैम वी ऑल आर रेडी, एंड लेट्स बिगिन द क्वेश्चंस ऑफ स्टार्टिंग जीके। स्टार्ट करिए मैम, आप वैक्सीन ले लिए हो? हाँ बिल्कुल, सबसे पहले हम वैक्सीन ले लिए थे, इनफैक्ट सेकंड डोज का टाइम आउट होते जा रहा है, सेकंड डोज अभी तक मैंने ली नहीं, वो मुझे लेनी है, ठीक है। चलो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते रहते हो। हाँ भाई, फर्स्ट क्वेश्चन, वह मिट्टी जो जाफरान केसर की स्थानीय किस्म है, जो कि जाफरान इसकी खेती के लिए उपयोगी होती है, तो सिंपल सा आप मुझे बताओ कि केसर की खेती के लिए जिस मिट्टी का यूज किया जाता है तो कौन सी वाली वो मिट्टी है, और ये वाला जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है कि इसके लिए किस मिट्टी का यूज किया जाता है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, करेवा की मिट्टी या फिर फरजिंडा होती है, क्या लगता है सही आंसर, जल्दी से बताएं। ओके ओके, मैम मेरा कमेंट आज भी नहीं पढ़ा है, मेरा कमेंट नहीं आ रहा क्या? बट आ रहा है, सबके कमेंट्स आ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन ज़रूरी नहीं होता ना सबके कमेंट्स पढ़े, आप तुम्हारे कमेंट्स भी ऐसे होते, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम, तो आप किसने किसने के नाम लेके गुड मॉर्निंग भी। हाँ चलो, अच्छा सुनो भाई, ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुकी, जो केसर होता है, केसर को उगाने के लिए जो मिट्टी का यूज़ किया जाता है वो बेसिकली करेवा की मिट्टी का यूज़ किया जाता है, और केसर सबसे ज़्यादा कौन से वाले, अगर आपसे स्टेट पूछा जाए इंडिया के अंदर कौन से जगह है, तो जम्मू कश्मीर जो हमारी यूटी है, इसे कश्मीर का, इसे केसर का कटोरा कहा जाता है, किसे, इसे केसर का कटोरा कहा जाता है, सबसे ज़्यादा केसर यहीं पर होता है, और इसका जो केसर है इसे GI टैग भी दिया गया था, ठीक है। अगर आपसे ऑल ओवर वर्ल्ड में पूछा जाए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा केसर का जो प्रोडक्शन है वो कौन सी वाली कंट्री में किया जाता है, तो आपका आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, ईरान हो जाएगा, ईरान के अंदर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन केसर का किया जाता है। कौन सी मिट्टी में होता है ये, करेवा की मिट्टी जो होती है वो उपयोगी होती है केसर की खेती के लिए। इतनी चीजें क्लियर है सबको। चलो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर क्या पूछा जा रहा है। सुनो देखो, राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी अगर आपसे पूछा जाए कि ये कहाँ पर लोकेटेड है, वेयर इज द नेशनल पुलिस एकेडमी, देखो इस एकेडमी की अगर हम बात करते हैं तो ये जो एकेडमी है आपकी वो भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए बनाई गई थी, ठीक है, और इसकी जो स्थापना है वो 1948 के अंदर की जाती है, 15 सितंबर 1948 के अंदर की जाती है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, कौन से एग्जाम में ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन पूछा गया था कि ये जो एकेडमी है ये कहाँ पर एस्टेब्लिश की गई थी, तो आंसर क्या होगा भाई आपका क्वेश्चन नंबर 12 के लिए, जल्दी से बता दो, वही वाला शहर है जो मोसी नदी के किनारे पर लोकेटेड है। मनीष कुमार कह रहे मैडम लाल मिट्टी होगी, बेटा मार मार के ना लाल कर देंगे तुमको, समझ आ रही है बात, करीवा की मिट्टी है, लिख लो दिमाग में छाप लो। ओके, देहरादून, अच्छा
मैंने बोला है जो मोसी नदी के किनारे पर लोकेटेड है, तो यहाँ पर इनमें से जो आपका आंसर होगा दैट इज हैदराबाद। हैदराबाद के अंदर आपका ये एस्टेब्लिश की जाती देश की पहली ये अकेडमी थी भाई। क्लियर यहाँ तक सबको? 1948 के अंदर किया गया था। इसका जो नाम है वो किसके नाम पे रखा गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पे इसका नाम रखा था, जो कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ये रह चुके हैं। ठीक है, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। आगे सुनो, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, पोलावरम प्रोजेक्ट किस नदी से जुड़ा हुआ है? ये वाला क्वेश्चन भी पेपर में, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से सारे जो पेपर में आ चुके हैं। नेक्स्ट है जो पोलावरम प्रोजेक्ट है, ये कौन सी वाली रिवर से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है ये आपको बताना है। और ये जो प्रोजेक्ट है आपका लगभग 3,00,000 हेक्टेयर की भूमि में बनाया गया है, 960 मेगावाट। कितना? 960 मेगावाट इसकी कैपेबिलिटी है। और यहाँ से क्या की जाती है? पन बिजली उत्पन्न की जाती है। 960 मेगावाट जो है वो इसकी कैपेबिलिटी है। तो आंसर कावेरी नदी आ रही है भाई यहाँ पर। और बड़े दुख की बात है कि सबका आंसर यहाँ पर गलत हो चुका है, एंड योर करेक्ट आंसर इज गोदावरी। गोदावरी नदी जिसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है, दूसरे नंबर की सबसे लंबी नदी है आपकी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। इसी के ऊपर ये प्रोजेक्ट बनाया गया है, पोलावरम प्रोजेक्ट बनाया गया है, जो कि क्या उत्पन्न करता है? पन बिजली उत्पन्न करता है। और इसकी जो कैपेबिलिटी है वो 960 मेगावाट की कैपेबिलिटी के साथ में इसे बनाया गया है। क्लियर यहाँ तक सभी को क्वेश्चन? हाँ जी, इसका जो लक्ष्य रखा है कि इसके आसपास में 540 जो गांव हैं उनको इसके अंदर सुविधा प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, उसको उनको सुविधा प्रोवाइड की जाएगी। और ये जो प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट किया गया था 2014 के अंदर इसे स्टार्ट किया जाता है। बिल्कुल सही है, गोदावरी के ऊपर इसे बनाया जाएगा। तो प्लीज़ आगे से ध्यान रखिएगा, सारे लोग जो तुक्का लगा करके कौन सी नदी पर जा रहे थे? कावेरी पर जा रहे थे। तुक्का लगाने में तो कसम से तुम लोग ना बस चरम उत्कर्ष पर पहुंचते जा रहे हो। चलो आगे क्वेश्चन देखो क्या है नेक्स्ट आपका। बनाना फेस्टिवल, बनाना फेस्टिवल, केला महोत्सव कौन से वाले स्टेट के अंदर इसे सेलिब्रेट किया गया था? तो उत्तर प्रदेश में। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी पूछा जाए कौन सा ऐसा शहर है जहां पर ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया था, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ये जो है कुशीनगर में सेलिब्रेट किया था। कुशीनगर, कुशीनगर के अंदर आपका एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर जो एयरपोर्ट है उसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी दर्जा दे दिया गया है। और जो केला महोत्सव है ये क्यों सेलिब्रेट किया गया था? देखो, उत्तर प्रदेश के द्वारा एक योजना लाई जाती है, और वो योजना क्या थी? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ये योजना लाई गई थी। वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट ये हरियाणा की योजना है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना किसकी है? उत्तर प्रदेश की है। तो इस योजना के अंदर क्या था कि एक एक डिस्ट्रिक्ट का कोई कोई प्रोडक्ट है जो कि हम फेमस करेंगे, और फिर बाद में उसी से रिलेटेड यहाँ पर महोत्सव वगैरह मनाया गया था। ठीक है, तो योर करेक्ट आंसर इज कुशीनगर। और भी यहाँ पर महोत्सव मनाए गए थे, जैसे कि स्ट्रॉबेरी महोत्सव मनाया गया था, ठीक है, और गुड़ महोत्सव भी मनाया गया था उत्तर प्रदेश के अंदर ही, गुड़ महोत्सव था। और एक और महोत्सव याद रखिएगा, काला नमक चावल महोत्सव। कौन सा? काला नमक चावल महोत्सव। तो ये सारे जो महोत्सव हैं आपके वो कहाँ पर सेलिब्रेट किए थे? ये सब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत ही सेलिब्रेट किए जाते हैं। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के अंदर। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है सबको क्वेश्चन यहाँ तक? हाँ जी, किसी को कोई दिक्कत? मैम कल भी आप आएंगे ना, हम रोज आते हैं, इसी समय आते हैं, 7:45 में क्लास स्टार्ट हो जाती है, तो इस टाइम क्लास में जुड़ जाया करें। वन आईएस वन स्कूल ये केरला की है, बिहारी एक पहचान। हाँ, तुम जरूर एक पहचान बनाओगे। चलो आगे सुनो भाई, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति जो पुरस्कार दिया जाता है ये किसे दिया गया था? देखो भाई, गांधी पीस प्राइज की अगर बात करते हैं तो ये प्राइज जो है 2021 में दिया गया था, और दो लोगों को दिया जाता है। एक को तो 2019 के लिए दिया था और एक को 2020 के लिए दिया था। ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो पेपर में पूछा जा सकता है। तो ये किसे दिया था? जो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, यानी कि आपका आंसर क्या है? शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया था। तो आंसर ये हो जाएगा आपका, शेख मुजीबुर रहमान। लेकिन 2019 वाला अगर आपसे पूछा जाए तो ये एक सुल्तान है जिनका नाम क्या है? कौन बताएगा? शेख हसीना जी को? अरे बाप रे बाप, कतई नाक कटवा के छोड़ोगे तुम लोग मेरी नलायको। शेख हसीना जी को नहीं दिया गया था, कसम से कसम से। शेख चचा को? ये कौन चचा हो गए तुम्हारे? हाँ सुनो भाई, देखो यहाँ पर जो दिया जाता है ये काबूस बिन सैद अल सैद को दिया गया था।
अल सैद को दिया गया था, ठीक है। तो 2019 वाले और 20 वाले ये दोनों ही आपको याद रखने हैं। क्लियर है सबको क्वेश्चन? दोनों का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है, चलो। अच्छा, और ये जो आपके बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान है, ये राष्ट्रपिता कहे जाते हैं बांग्लादेश के, क्योंकि वहां पर जो है ये पहले राष्ट्रपति रहे थे, किसके? बांग्लादेश के, ठीक है। आगे सुनो, नेक्स्ट, विश्व कैंसर दिवस 2021 का विषय क्या है? ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है। थीम ऑफ द वर्ल्ड कैंसर डे, ठीक है। तो देखो, पहली चीज तो ये समझो कि जो वर्ल्ड कैंसर डे है, ये आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड कैंसर डे तो ये जो सेलिब्रेट किया जाता है, 4 फरवरी को सेलिब्रेट होता है। और 2021 में जो उसकी थीम रखी गई थी वो आई एम एंड आई विल थी। अगर 2020 वाली थीम पूछी जाए तो वो भी यही थी, आई एम एंड आई विल। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? मैम, नाम अजीब सा लिखी थी, आप लिख भी नहीं पा रहे थे हम जल्दी से। अरे रे, नाम काबूस बिन सैद अल सैद, काबूस बिन सैद अल सैद नाम है उनका, ठीक है। चलो आगे सुनो, तो ये कैंसर डे याद रखिएगा, 4 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, WHO के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, 1965 से ही ये सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है। आगे सुनो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है? कण्व वंश की जो स्थापना है वो किसने की थी? अगर आपसे पूछा जाए कण्व वंश जो है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, जिसका आंसर आपको यहाँ पर बताना है जल्दी से, कि जो कण्व वंश है इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है। हाँ जी, क्या लगता है भाई, सही आंसर आपका क्या होना चाहिए? ओके, हिस्ट्री, हाँ हिस्ट्री के कार्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। देखो, एक चीज ध्यान रखिएगा गाइस, यहाँ पर शुंग वंश के शासक था, यहाँ पर क्या हुआ करता था? शुंग वंश का शासन हुआ करता था, और उसी दौरान यहाँ पर जो शासक थे वो देवभूति थे। क्या थे? देवभूति थे। तो इनकी जो हत्या कर दी जाती, इनकी क्या कर दी जाती? हत्या कर दी जाती। और ये जो हत्या की थी वो किसने की थी? वासुदेव ने की थी। अब हत्या वासुदेव ने की थी, तो यानी कि जो अगला वंश आएगा ये अंतिम शासक थे शुंग वंश के, देवभूति। तो उसके बाद क्या, इनको निपटा दिया गया, इनकी हत्या कर दी गई, और जो हत्या की थी वो वासुदेव ने की थी, और उसके बाद इन्होंने कण्व वंश की स्थापना कर दी। किसकी स्थापना कर दी? कण्व वंश की। तो अगर पूछा जाए कि कण्व वंश की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, तो ये वासुदेव के द्वारा की थी, 75 ईसा पूर्व ये स्थापना की जाती है, ठीक है। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है, क्लियर है सबको? हां जी, कण्व वंश की जानकारी के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो बाण भट्ट रचित हर्षली, हाँ, अगर बाण भट्ट के बारे में पूछा जाए कि जो बाण भट्ट है वो किसके द्वारा रचित किया है, इसकी रचना किसने की थी, बाण भट्ट की रचना, तो हर्षचरित के द्वारा इसकी रचना की जाती है, और इसके अंदर कण्व वंश के बारे में बताया गया है, ठीक है। आगे सुनो, वासुदेव ने 9 वर्षों तक शासन किया था, वासुदेव ने 9 वर्षों तक शासन किया था, ठीक है। किसकी हत्या करके? शुंग वंश के राजा की हत्या करके यहाँ पर ये शासन किया था, और इन्होंने कण्व वंश स्थापित उसके बाद में कर दिया था। मेरा सही है मैम, जिसका सही है खुशियां मनाओ, खुशियां। चलो आगे बढ़ लेते गाइस, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। सुनो, नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, कांस फिल्म फेस्टिवल किस देश में आयोजित किया जाता है? ये फिल्म फेस्टिवल इंडिया के अंदर आयोजित नहीं होता है, किसी दूसरी कंट्री में आयोजन होता है इसका, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में पूछा जा सकता है, मोस्ट एक्सपेक्टेड है। तो बताओ जल्दी से, जो कांस फेस्टिवल है इसका आयोजन कौन सी वाली कंट्री के अंदर किया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखो, इसका जो आयोजन है वो काफी सालों से किया जा रहा है, 1939 से इसकी क्या होती है, शुरुआत होती है, ओके। और इसका जो आयोजन किया जाता है वो बेसिकली कौन सी वाली कंट्री में, जहां से हम राफेल ले रहे हैं? अब बता दो आंसर क्या होगा। चौधरी जी कह रहे मैडम फ्रांस होगा, बहुत अच्छा चौधरी जी, बहुत अच्छा जा रहे। सुनो, फ्रांस इज योर करेक्ट आंसर, फ्रांस के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है इस फिल्म फेस्टिवल का, और इसके अंदर इंडिया की फिल्म वगैरह भी जो है वो चुनी जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा, फ्रांस वही वाला देश है जिससे हम क्या ले रहे हैं, जिससे हम राफेल ले रहे हैं। और राफेल, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा यहां से कि कौन सी कंपनी के द्वारा ये बनाए जा रहे हैं, ये बनाए जा रहे हैं दसॉल्ट कंपनी के द्वारा, दसॉल्ट कंपनी। भारत में कितने राफेल आने हैं? 32 राफेल आने हैं, और इसका जो टारगेट दिया गया वो 2022 तक का दिया गया है, 2022 तक आ जाएंगे, जिसमें से कुछ राफेल आ चुके हैं और कुछ राफेल आने अभी बाकी बची हैं। फ्रांस के साथ में हम कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं गाइस? तो देखो, रिसेंटली हमने एक्सरसाइज की थी यहाँ पर, कौन सी? डेजर्ट नाइट 21 एक्सरसाइज की थी, और ये जो है दो जोधपुर के अंदर की जाती है। इसके साथ में एक वरुण एक्सरसाइज करते हैं और एक गरुड़ एक्सरसाइज करते हैं। जो गरुड़ होती है वो एक एयरफोर्स एक्सरसाइज होती है, और जो वरुण एक्सरसाइज होती है ये क्या होती है, एक नेवल एक्सरसाइज होती है।
जो कि वरुण एक्सरसाइज हम इस साल कर चुके हैं, गरुड़ एक्सरसाइज हमने इस साल फ्रांस के साथ में नहीं की है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है फ्रांस से रिलेटेड। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ओके ओके, चलो भाई आप जरा आगे देख लेते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहां पर सुनो, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कुंभ मेला का आयोजन कहाँ पर नहीं होता। देखो भाई, कुंभ का जो मेला भरता है आपका, आप सभी को पता है चार जगहों पे भरता है ना, जो महाकुंभ होता है आपका 12 साल में एक बार ये मेला भरता है और ये विश्व का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। जितने जुड़वा जो खोते हैं ना, वो कुंभ के मेले में ही खोते हैं ना, बहुत सारी मूवीज वगैरह में आपने देखा ही होगा यहाँ पर। तो बताओ भाई जल्दी से, जो कुंभ का मेला है वो चार जगहों पर भरता है, तो इनमें से कौन सी ऐसी जगह है जो कि इसका आंसर नहीं होगी, जिनमें जो कि उन चार जगहों में से नहीं आता है। हाँ भाई, तो आंसर क्या लगता है यहाँ पर, क्या हो जाना चाहिए आपका सही आंसर? वाराणसी। OMG, बनारस। बनारस कहाँ से आ गया, मतलब खुद से ही कुछ भी। नासिक बेटा, बहुत गंदा तुक्का लगा रहे, बता रहे हैं तुमको पेपर में, देखो ऐसे करके आओगे तो कसम से नाक कटवा दोगे मेरी, मेरी तो कतई कटवा दोगे। देखो भाई, जो बच्चे आंसर कर रहे हैं यहाँ पर वाराणसी, उनका आंसर बिल्कुल सही है। वाराणसी की जगह पे आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर हरिद्वार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, हरिद्वार हो जाएगा। तो यहाँ पर जो चार राज्य हैं, चार जो शहर हैं जहाँ पर नदियाँ मिलती हैं आपस में, ठीक है, तो वहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, वहाँ पर ये कुंभ का मेला भरता है जो कि आपका कितना 12 साल में एक बार भरता है। तो हरिद्वार से गंगा नदी आपकी उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे पर है, नासिक जो है वो गोदावरी नदी के किनारे पर है, और यह जो मेला है वो प्रयागराज, यहाँ पर ये गंगा यमुना पौराणिक सरस्वती के संगम पर भरता है। हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे पर भरता है, उज्जैन में शिप्रा नदी पर भरता है, और नासिक की बात करेंगे तो गोदावरी नदी पर यह मेला भरता है। ये चार साल के आवर्तन के बाद आयोजित किया जाता है। जाति पंथ लिंग की परवाह किए बिना लाखों लोग इसमें भाग लेते हैं, ये हमारे कंटेंट मैनेजर भावनाओं में बहते हुए। ठीक है, आपको बस इतनी चीजें इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखनी है, समझ आया सबको? अब हाँ, वाराणसी की जगह पे हरिद्वार आपका सही आंसर होगा, वाराणसी की जगह पे हरिद्वार होगा आपका यहाँ पर सही आंसर। कौन कौन गया है कुंभ के मेले में जरा बताओ। तो ये लास्ट क्वेश्चन था गाइज आपका, और अब जो है आपके क्वेश्चंस, नेक्स्ट आपका जो सेशन लगेगा वो कल रहेगा, और कल जो रहेगा वो 7:45 पे रहेगा। कल मैं आपको वीकली रिवीजन कराने वाली हूँ, यानी कि पूरे वीक जो भी कुछ पढ़ा है हमने वो सारा। और मुझे ये बता दो कि मंथली सेशन के लिए जो मैराथन लेनी है वो कब लेनी है, क्योंकि मैं प्लान कर रही हूँ कि मंथली के लिए मैराथन स्टार्ट कर देनी चाहिए। और लाइक्स कितने तुम लोग कर चुके हो, 500 होने वाला। थैंक यू सो मच गाइज, ऑलमोस्ट हो गया है, तहे दिल से शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए। अच्छा, कौन कौन जा रहा, कौन कौन जा चुका है कुंभ के मेले में? मैम हम जा चुके हैं। अरे वाह भाई, हम तो कभी नहीं गए हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैम सिलेबस कैसे खत्म होगा, मैम उतना सारा सब्जेक्ट है और तुम, और तुम 2 महीने, मैं 2 महीने, क्या कहना चाह रहे हो यार, तुम क्या लिखते हो? देखो, सिलेबस कैसे खत्म होगा इस चीज को कभी मत सोचो, क्योंकि जो समुद्र होता है ना वो मतलब जो सिलेबस होता है ना वो समुद्र के जितना होता है। ठीक है, समुद्र के जितना सिलेबस होता है, तो आप सारा नहीं पढ़ सकते हो। तो आप क्या करो, आप एग्जाम के इंपॉर्टेंट जो जो 2-4 बुक सेलेक्ट करो, बस उसी को पढ़ो, उसी को छान मारो, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसे तो आप क्या क्या पढ़ोगे, बहुत सारे बच्चे इतने ज्यादा जोश में आ जाते हैं कि हमें एग्जाम क्लियर करा, ये बुक वो बुक सारी पढ़ डालते हैं, एक क्वेश्चन पूछ लो तो उनसे आता नहीं है। तो आपको क्या करना है, 2-4 बुक्स है बस वही परचेज करो। ठीक है, जैसे कि जीएस की अगर मैं बताऊं आपको, तो एक घटना चक्र ले लो, एक ल्यूसेंट के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव ले लो। अगर आप ये 3 बुक्स को छान मारोगे ना, तो कोई पेपर में एक क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। और करंट अफेयर्स तो मैं आपको करवा ही रही हूँ फिर, ठीक है, यहाँ से आपका सारा कवर हो जाएगा करंट अफेयर्स। इसके अलावा परचेज करना चाहो तो मैगजीन वगैरह परचेज करो, जैसे कि दृष्टि की आती है, स्पीडी की आती है मैगजीन करंट अफेयर की, तो वो आप परचेज कर सकते हो। ओके, ये मोर देन सफिशिएंट रहेगा इनमें से कोई भी एक मैगजीन, मतलब की मैम तुसी ग्रेट हो, थैंक यू सो मच। अच्छा ठीक है मैम, मैं इसलिए नहीं जाता हूँ कुंभ के मेले में कि मैं कहीं खो ना जाऊँ। OMG भाई, अब जो है ना बहुत ज़्यादा डिजिटल हो जाता जा रहा है हमारा इंडिया, तो फ़ोन नाम की भी एक चीज़ होती है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको जाना है तो बिल्कुल आप जा सकते हो। मैम करंट अफेयर्स में 2 गलत हुए, स्ट्रैटेजी के में भी 2 गलत हुए, पिंकी मैडम के शिष्य अर्जुन, तुम मेरा नाम रोशन करोगे, हाँ ग्रेट। और मैम नदी जितना पढ़ते हैं ना, नाले जितना याद करते हैं। हाँ, ये सारे पुराने जोक्स मैंने सुने हुए हैं, ठीक है कुछ नया सुनाओ।
खाना बनाने जा रहा हूँ। अरे यार चलो गाइस सेशन को दी एंड करते, तुम्हारे कोई डाउट्स वगैरह तो है नहीं फिलहाल, तो मिलते हैं कल सुबह 7:45 पे, ठीक है? चलिए। और हाँ, जाने से पहले एक चीज़ सुनो, जो बैचेस आपके लिए लेकर आए हैं उनकी सारी जानकारी आपको टाइम्स की उस पर मिलेगी, जो टाइम्स की एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन को ज़रूर से इंस्टॉल कर लीजिएगा ताकि जो बैचेस लेकर आए हैं उसकी जानकारी आपको मिल सके। प्लस अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मेरी आगे आने वाले जितनी भी क्लासेस हैं उनका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहेगा। जाने से पहले सेशन को लाइक एंड शेयर ज़रूर करके जाना है। खान सर की बुक, खान सर की बुक है तो अच्छी होगी भाई, वो बिल्कुल आप परचेज कर सकते हो। मैं तो वो पुरानी बुक्स पढ़ा रही हूँ, बता रही हूँ जो मैंने अपने टाइम पर कभी पढ़ी थी, जिससे मेरा जीएस स्ट्रॉन्ग हुआ था, तो वो मैं बता रही हूँ आपको, है ना। बाकी खान सर की बुक है तो वो ऑब्वियसली बात है अच्छी ही होगी भाई, वो खुद इतना अच्छा पढ़ाते हैं तो उनकी बुक भी अच्छी होगी, तो बिल्कुल आप ले सकते हो वो। और तड़का रोटी बनाऊंगा मैं, जाओ यार तुम जल्दी जाओ, बिहारी एक पहचान भाई, जाओ तुम जल्दी जाओ, ठीक है गाइस। सो सेशन को दी एंड करते हैं। मैम स्टेट वाला, अरे हाँ ये तो मैं बताना ही भूल गई थी, अभी 15 मिनट के अंदर आपकी एक और सेशन स्टार्ट होने वाला है जिसके अंदर स्टेट वाइज स्टैटिक जीके हमने शुरू किया, और ये जो स्टेट वाइज स्टैटिक जीके रहेगा उसमें आज बारी है किसकी, हरियाणा की बारी है। तो हरियाणा से रिलेटेड जितने भी स्टैटिक पॉइंट्स बन सकते हैं ये आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे, और ये जो पर्टिकुलर सेशन आपका होने वाला है वो 9:30 पर लाइव हो जाएगा टाइम्स कोचिंग के प्लेटफॉर्म पर ही, तो प्लीज़ इसे ज्वाइन करना है आप सभी को, ठीक है, सबको ज्वाइन करना है। ये वाले जो मैंने सीरीज स्टार्ट करी है ये आपके हर एक एग्जाम के लिए, जो स्टेट पीसीएस या स्टेट पीएससी के जो एग्जाम दे रहे हैं जो बच्चे, उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, साथ में जितने सेंटर के एग्जाम्स भी होते तो उनमें हर एक स्टेट से रिलेटेड स्टैटिक जीके पूछा जाता है, तो ये वहाँ पर भी आपका इम्पॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। मैम यूपी का बताएं, यूपी सबसे पहले करा था, सबसे पहले यूपी करा था, फिर एमपी करा था, बिहार का हो चुका है, राजस्थान हो चुका है, आज पांचवा स्टेट करने जा रहे हैं दैट इज हरियाणा। नेक्स्ट आपका स्टेट जो रहेगा वो बता दिया जाएगा कौन सा है, ठीक है। चलो भाई ओके गाइज, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।